मेरा नाम अजय है, एजीएस टेक्नोलॉजी का सीईओ। अभी स्ट्रेचर में जिसे ले गए वो कोई और नहीं, मेरा दोस्त आर्या है। बचपन में जब से वो मेरा दोस्त बना तब से मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आई। वो इसलिए कि जिसका आर्या जैसा दोस्त है उस पर मुसीबत कभी नहीं आएगी। पता नहीं किस गांव के हो, वो भी पता नहीं। जान पहचान वाला कोई है? मुझे एक फ्रेंड चाहिए। उस दिन अगर मैं उस बबलगम को नहीं कुचलता तो मेरी जिंदगी कुछ और ही बन जाती। अरे ये बबलगम तो निकल ही नहीं रहा है। ओए, तू क्यों मेरी जगह पे बैठा है? कौन है तू? मैं तेरा फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? फ्रेंड है तो कोई मदद करनी चाहिए। तूने कौन सी मदद की है मेरी? हाँ, तुझे तैरना आता है? तैरना नहीं, क्यों? फ्रेंड्स,
उस दिन से मैं उसका दोस्त बन गया और वो मेरा दुश्मन। तू देर से क्यों आया? तूने ऐसा क्यों किया? मैं तेरा फ्रेंड हूँ ना, तू मेरा फ्रेंड है। बोल, तू मेरा फ्रेंड है? तुम दोनों को इन्होंने पसंद किया है, लेकिन इन्हें बस एक ही बच्चा चाहिए। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना, किसे जाना है खुद ही फैसला कर लो। एक मिनट। हेड्स या टेल्स? हेड्स। नहीं नहीं, टेल्स। तू ही जा। वो कैसे? तुम ही जीते हो ना? हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, जो मैं जीतूंगा वो तेरा है, जो तू जीतेगा वो मेरा है। जा। मैं बहुत खुश हो गया कि ना सिर्फ किसी अमीर के घर जा रहा हूँ, बल्कि उससे छुटकारा भी पा रहा हूँ। सोचता था कि अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन हेलो, या क्रिस्टी, या आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग। टेल हिम टू फैक्स मी द पेपर, राइट? ओके, या आई विल सी यू, बाय। Stupid maniac! निकल साले को बाहर, बाहर आ जा। थोड़ा आगे चल। अबे अंदर बैठ के क्या बोल रहा था? निशान रहा था। ओ, बिलायती है। अब इंग्लिश बोल, बोल ना। हाँ, बोल बोल। चल, दोबारा इधर दिखा तो साले फोड़ डालूंगा। चल, सूट बूट पहन के साला रुआब दिखाता है। चलो। चलो चलो। शिवाजी पार्क से राइट में जाओ। तू प्रकाश तुम ही हो ना? हाँ, पर क्यों? सर पर टोपी थी ना। घर में टोपी नहीं बनता, तो क्या हुआ? एक मिनट। कौन है बे तू? आ! 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 आ!
तू? ऐ, कौन है बेटा? अभी ठीक करता हूँ। हाय, आई एम आर्या, अजय का फ्रेंड। हे, तुम लोग कौन हो? प्रकाश भाई के फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हो? जब तुम्हारे फ्रेंड की धुलाई कर रहा था तो खड़े होकर देख रहे थे सालों। कितनी बार कहा है तुझे तू मेरे साथ नहीं रह सकता? फर्स्ट टाइम तेरी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। नॉनसेंस। ए, अपनी पहली सिगरेट याद है तुझे? उस दिन से मैं आधी सिगरेट ही पीता। ये ले तेरा हाफ। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। तुझे जो भी चाहिए मैं देता हूँ, तू कहीं जाके कुछ बिजनेस कर। हे, ये तू क्या कर रहा है? हे, तुझे बोल रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अपना हुलिया तो देख, तुझे तो मैं अपना दोस्त कभी नहीं बोल सकता। जब तू पास में होता है तो हमेशा मुझे घिनाती है। तू एकदम गंदा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तू मेरे साथ रहा तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी कंपनी भी बदनाम हो जाएगी, इसलिए मैं हमेशा तुमसे दूर रहता हूँ। अरे ये वन वे यार, रोको। आर्या, आर्या, एक ब्रेक लगाना। ब्रेक? कहाँ है? तुझे ड्राइविंग नहीं आती? ये पहली बार है। ब्रेक! देखता क्या है? मुझे ऊपर खींचना। मैं तेरे साथ ही रहूंगा। वो सब बाद में देखेंगे, मुझे ऊपर खींच। मैं तेरे साथ ही रहूंगा। ऐसे कैसे रख दूं? कोई डिग्री भी नहीं है तेरे पास। ये ले डिग्री, साथ ही लाया हूँ। अबे ओए, ये कोई डिस्कशन का तरीका है क्या? मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तेरी तो मैं, चल ठीक है मान लेता हूँ, अभी मुझे ऊपर खींच। मेरी कंपनी में तुझे नौकरी देकर बिठाऊंगा मेरे बाप, अभी मुझे ऊपर खींच। क्या हंस रहा है? अबे ओ पागल, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तू मना भी कर देता ना तो भी मैं तुझे ऊपर खींच लेता, लेकिन तू मान गया। hey, लेकिन एक कंडीशन है, अगर तू बुरा साबित हुआ तो मैं फौरन तुझे अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। अगर मैं बुरा साबित हुआ ना तो खुद ही कंपनी छोड़कर निकल जाऊंगा। अब मुझे सबके साथ अच्छा बनकर रहना होगा।
on, come on. ये जादू घर come on, come on. पक्का banner come on, come on. बढ़िया schemer hey yeah yo. Mr. Perfect, perfect. He's Mr. Perfect. किसी angle से नहीं है इसमें कोई defect. Mr. Perfect, perfect. He's Mr. Perfect. किसी angle से नहीं है इसमें कोई defect. कभी ना ऐसा कभी ना देखा पल में बदले हाथ की रेखा किसी को रंग लो अपने रंग में या तुम किसी के हो जाओ ये लाइफ दो पल का खेल यारो हंसो और हंसाओ सॉरी मैं अच्छा बनकर रहना चाहता हूँ लारे वो तो उनके सामने गुल खिला रहा था ये कल आए ना आए कर ले जो अब जी चाहे मस्ती में जीना है क्यों तू घबराए राहों में प्यार बिछा दे लव सॉन्ग कोई भी सुना दे आंखों में आंचू में गम को भुला दे come on, come on. Most lovable. Proud of you, my boy. This year, Best Employee Award goes to Mr. Arya. Hey! Come on. Sir, आपके friend का मुंह मीठा कीजिए. ये मेरा friend नहीं है. ऐसा कहने का तो मेरा बहुत मन किया था, लेकिन मैं कह नहीं पाया. अपने friend को अपने हाथों से sweet खिलाइए ना. उसे हमेशा मैं अपना दुश्मन ही मानता था. उसे ऑफिस से कैसे निकालूं ये सोचता था. लेकिन वहाँ पर तो वो सबका फेवरेट होता जा रहा था. अजय का कुछ नहीं है. अरे शानदार सूट बूट पहन के अजय पोज मारता है. असल में उसका कुछ नहीं है. अरे मैं तो कहता हूँ वो किस्मत का खा रहा है. दैट इज कॉल्ड लक. सबके सामने मैं एक चर्चा का विषय बन गया था. सब मेरा होते हुए भी ऐसा लगता था कि मेरा कुछ भी नहीं है. ये ऑफिस, ये पहना हुआ सूट, इतना बड़ा घर, ये गाड़ी, ये स्टेटस, सब उसकी दी हुई भीख लग रही थी. यहाँ तक ये सिगरेट भी मुझे लगता था कि मेरी नहीं है. उन दिनों जिंदगी में पहली बार मैं किसी को अपना समझने लगा. गीता, गीता दीदी आ जाओ. She is like a raindrop falling on my heart. She is like the sunshine after the rain. I don't know now what to do, 'cause she is breaking my heart. She is like
a raindrop falling on my heart. आप हाईटेक सिटी जा रहे हैं ना? देखा कैसे पता लगा लिया मैंने? ये मत सोचिए कि मैं लिफ्ट मांग कर जा रही हूँ। ऑफिस में आज पहला दिन है ना, लेट नहीं होना चाहती। एफएम लगाऊं क्या? गांव में हमारी बहुत गाड़ियां हैं, चाहती तो मैं भी गाड़ी में जा सकती हूँ। लेकिन गाड़ी मांगी तो पापा शादी कर लो कहते हैं। वैसे कार के लिए शादी तो नहीं कर सकते ना? स्माइल प्लीज। वाओ सुपर, ये कार आपकी नहीं है ना? आपकी है भी तो आपकी नहीं लग रही। देखा कैसे पता लगा लिया मैंने? कैसे नहीं पता चलता, अगर आपकी कार होती तो ड्राइव करते हुए पोज थोड़ी ना देते। यस। थोड़ा सा आगे, थोड़ा और, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंट्रेंस के सामने उतरो तो थोड़ा भाव बढ़ता है। थैंक यू। माय ऑफिस। आई लव हर। You love her? I love her. We love her. Same taste. हम दोनों best friends हैं ना? Congrats यार। ए अजय, don't worry. Coin? क्या हुआ? Toss मैं करूँगा। Okay. Heads या tail? Always tails. Heads. गीता मेरी है। नहीं, मेरी है। हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना? जो तू जीता वो मेरा और जो मैं जीता वो तेरा। सो गीता मेरी है। स्माइल प्लीज। दिस इज कॉल्ड मैनिक डिप्रेशन। आर्या तुम्हें प्यार नहीं करता इसलिए तुम बहुत हर्ट हो गई हो। आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस। तुम खुश होती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? आर्या को हक करने का मेरा मन करता है। और फिर गुस्सा आता है तो क्या लगता है? आर्या को और भी कस के हक करने का मेरा मन करता है। पानी सर पे चढ़ गया है, कोई फायदा नहीं। इसी समय तुम्हारे और आर्या के बीच एक दीवार खड़ी करनी होगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एचआर कौन है? कौन है नहीं, कौन है? यानी वो आप ही हैं। देखा कैसे पता लगा लिया? सॉरी सर, आई एम गीता। ओह, आई एम डॉक्टर चरण दास, 10 डिग्रीज होल्डर, फ्रेंड ऑफ बिल गेट्स। वाओ रियली? एचआर कम साइकोलॉजिस्ट ज्यादा, सॉफ्टवेयर वालों को आने वाले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करता हूँ। ग्रेट। आओ तुम्हें टीम से मिलाता हूँ। सॉफ्टवेयर फील्ड में पैसों के साथ बीमारियां भी बहुत है, इसलिए इनके नाम के बजाय इनकी बीमारियां ही याद रहती हैं। ही इज मिस्टर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाय हाय हाय। ये कोई भी काम 3 बार करता है, पैदा सिर्फ एक ही बार हुआ था। हाउ अबाउट कॉफी कॉफी कॉफी। ये नार्कोलिप्सी है। ये कब सो जाता है, कब जाग जाता है, ये खुद भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। जाग गया, फोटो ले लो वरना सो जाएगा। सो गया। हाईली टैलेंटेड। और ये आप? ये मिस्टर गजनी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रोज मिलने वाला मुझे नहीं पहचानता तो तुम्हें क्या याद रखेगा? इसे इंट्रोड्यूस करवाना बेकार है। चलो हाउ अबाउट को सॉरी आई फॉरगॉट। सॉरी। क्या हुआ यार? ऑफिस जा रहा हूँ सर। तेरी ऑफिस 9th floor पर है, ये 6th floor है, जाओ। ये वैट 69 है, 6 और 9 को समझ नहीं पाता। इसकी ऑफिस 9th floor पर है और ये 6th floor पर भटकता रहता है। अरे 9th floor पर जाए, 6th floor है, जाता है कि नहीं, निकल। अब मेरे बारे में सुनो। मैं बताती हूँ, आप है मिस्टर टेक्नोमेनिया। आपकी 2 कमजोरियाँ हैं, एक है आईफोन, मेरे जीजा ने दिया है, दूसरा है लैपटॉप, बिल गेट्स ने दिया है। ये 2 आपकी कमजोरियाँ हैं। एग्जैक्टली। देखा कैसे पता लगा लिया? मैं ऐसी ही हूँ, शक्ल देखकर पूरी कहानी बता देती हूँ। हेलो, तुम मेरी तस्वीर खींचना भूल गई हो। सॉरी आई फॉरगॉट। जस्ट वेट। यस स्माइल। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में डिफेक्ट है। नो, यू आर मिस्टेकन। बिना डिफेक्ट वाला भी यहाँ है। मिस्टर परफेक्ट आर्या, योर टीम लीडर। ही इज डीसेंट, सिंसियर, इंटेलिजेंट, यहाँ तक कि वो
ऑफिस में लड़कियों को भी नहीं देखते। आई एम जूली, मेनिक डिप्रेशन, डीपली इन लव विथ आर्या, मिस्टर परफेक्ट। इस बात का फैसला आप लोग नहीं, मैं करूंगी। कहां है तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट? You're right. He is Mr. Perfect. Hey, hold on. Oh. Thank you. Hi, morning. Geeta. आप ही की टीम में कल ही ज्वाइन हुए। सॉफ्टवेयर कंपनीज में टीम लीडर्स का लड़कियों को छेड़ना कॉमन है, ये तो मुझे पता है, लेकिन सबने कहा आप बहुत डिसेंट हैं, बहुत सिंसियर हैं, लड़कियों को यहाँ तक कि चोरी छुपे भी नहीं देखते। उनके कहने से नहीं, मैंने भी देखते ही पहचान लिया कि यू आर अ परफेक्ट गाय। आप लिफ्ट से डरते हो ना? देखा कैसे पता लगा लिया, मिस्टर परफेक्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट है। एनीवे, आप जैसा टीम लीडर मिलना विद अ स्मॉल डिफेक्ट, आई एम वेरी लकी। हेलो, मैंने आपकी तारीफ की है, कोई भी रिएक्शन नहीं है। हाँ, जूली, क्या है? आर्या ने मुझे चुम्मा दिया। उसने तुम्हें हग तो नहीं किया ना? आई लव यू तो नहीं कहा? तुम्हें मजाक लग रहा है? जब फर्स्ट टाइम आर्या को देखा तो मैंने भी यही सपना देखा था। मुझे चुम्मा दिया, हग किया बड़े प्यार से। सिर्फ मुझे ही नहीं, आर्या को देखा तो सबको ऐसा ही महसूस होता है। स्टेला, गीता भी आर्या पे एकदम फिदा हो गई। नहीं जूली, सच में उसने मुझे चुम्मा दिया। यस, वो ऐसा ही है, सबको डिस्टर्ब करता है लेकिन किसी के हाथ नहीं आता। देखो गीता, हॉट न्यूज़, गीता लेकिन लव्स आर्या, क्योंकि ही इज मिस्टर परफेक्ट। मतलब ये सब मेरा इमेजिनेशन है? नहीं, हेलुसिनेशन। यस, फर्स्ट स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन। आर्या ने तुम्हें चुम्मा दिया। ये एक मानसिक बीमारी है, जो होता है वो नहीं होता है और जो नहीं होता है वो होता है, ऐसा सोच सोच कर मन में हलचल होती है। कहां है? चलना। लकीली आर्या ने किस कर दिया ये कहने से तुम्हारी बीमारी पकड़ में आ गई। नहीं सर, सच में उसने मुझे किस किया है। ओके ओके ओके, आर्या ने तुम्हें किस करते हुए किसी ने देखा था? गीता ने भी नहीं देखा सर। वो कैसे? आम तौर पर किस करते समय लोग आंखें बंद कर लेते हैं। बंद कर। गीता, आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस। ओके, सोच समझ के जवाब देना। तुम जब खुश होती हो तो क्या करने का मन करता है? बिलीव मी सर, सच में आर्या ने किस किया है मुझे। आर्या ने तुम्हें किस किया ऐसा लगता है तुम्हें? ओके ओके, तो गुस्से में क्या करने का मन करता है? सर, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या कहा? मुझे गुस्सा आ रहा है। एग्जैक्टली, ऐसे मौके पे क्या करने का मन करता है? मारने का मन करता है, तोड़ने का मन करता है, कुछ कर जाने का मन करता है, क्या करने का मन? मोबाइल तोड़ने का मन कर रहा, यही बोल रही थी सर। तेरा 9th फ्लोर है ना? हाँ सर। चल फोर फुटता हूँ सर। We take the profit from the project of excuse and me, profit sir? At the rate of आप? Come on! Hey, hey! ये क्या है पता है? गीता का रेजिग्नेशन लेटर। वो रिजाइन करने वाली थी लेकिन मैंने उसे मुश्किल से मना लिया है। तुझे अकल है कि नहीं? किसी को मिलते ही कोई चूमता है क्या? मैंने पहले ही बोला था, तू बुरा साबित हुआ तो मैं तुझे कंपनी में नहीं रखूंगा। प्रूफ हुआ क्या? ऑफिस में किसी को इस बात पर यकीन है क्या? आखिर तुझे उसे चुम्मा देने की क्या जरूरत थी? अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? मेरे जान जा रही थी। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था, अगर मैं गीता को किस नहीं करता तो मेरी जान चली जाती, समझा तू?
गीता को तुम कितना चाहते हो? जितना मैं तुझे चाहता हूं उतना ही गीता को। सिर्फ तेरे प्यार करने से क्या होगा, वो भी तो तुझे प्यार करनी चाहिए। जरूर प्यार करेगी। ऑफ कोर्स किसी भी लड़की को बेस्ट लड़का चाहिए। मेरे हिसाब से इस दुनिया में दो ही लड़के बेस्ट हैं। नंबर वन तू है, नंबर टू मैं हूं। तू नंबर वन इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं कि तू नंबर वन है। नंबर वन तो वैसे भी ड्रॉप हो गया, अब बच गया हूं मैं, इसलिए उसे मुझे ही चुनना होगा। ये ले। गीता को लव लेटर देना? हे, ये क्या है? तू गीता को लव लेटर देने वाला है? तू फिर से ऐसी हरकत करेगा तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। ए, रुक, 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 ऐसा मत बोल यार। अरे प्लीज 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 सॉरी सॉरी सॉरी, तू जैसा बोलेगा ना मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज 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 प्रॉमिस, आई स्वेयर। ईमेल्स के जमाने में लव लेटर लिखा? मेरी प्यारी गीता, मुझे तुम्हें पहले आई लव यू कहकर एक लेटर लिखकर बाद में किस करना था, लेकिन हड़बड़ी में पहले किस कर दिया। अब लेटर लिख रहा हूं और बाद में आई लव यू कहूंगा, इसलिए पहले का बाद में का पहले, बीच का बाद में फिल कर लेना। ओ फैंटास्टिक, मुझे अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना है। मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, गुस्सा आया तो किसी को भी मारता हूँ। इन सच्चाइयों को जानकर मुझे प्यार करोगी तो अच्छा लगेगा। मैं आगे नहीं पढ़ सकता। नोट, चरणदास सर बहुत अच्छे इंसान है। दया करके ये लेटर उन्हें मत दिखाना, इसलिए कि वो ये बात नहीं मानेंगे। यस, मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे सर? नहीं मानूंगा, ये लेटर में लिखा है ना। उसने खुद लिखा है इसलिए नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे, ये लिखने के बाद भी मैंने मान लिया तो मेरा मानना न मानने के बराबर हो जाएगा। देख लिया बे, उसने नहीं लिखे हुए लेटर में भी वो मुझे कितना आदर करता है। रियली ही इज ग्रेट। सो आर्या ने ये खुद लिखा है, इस वजह से आप नहीं मानेंगे, है ना? और क्या, न मानने वाली बात किसने लिखी है? आर्या ने। किसमें लिखी है? लेटर में। लेटर किसने लिखा है? आर्या ने। एग्जैक्टली। ये मैं कहां फंस गया? क्यों परेशान हो रहे हैं सर? वहां आर्या कुछ लिख रहा है, वो हैंडराइटिंग और इस लेटर के हैंडराइटिंग मैच कर लीजिए, काम हो जाएगा। तेरा 9th फ्लोर है ना? प्रॉब्लम 6th फ्लोर में है ना सर। मेरे हाथों डायमंड का टेस्ट करवा रहे हो क्या? जा उसकी गोद में जाकर बैठ जा। ठीक है ठीक है सर। ये राइटिंग और वो राइटिंग मैच नहीं हो रही है। एक बार उससे पूछ लीजिए ना। आर्या। जी सर। आई लव यू इतना सा लिखना। उसकी स्पेलिंग क्या है सर? देखो स्पेलिंग 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 भी मालूम नहीं है इसको। सॉरी आर्या। इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी। बेस्ट एम्प्लॉय। दैट्स इनफ। ही इज मिस्टर परफेक्ट। I love you. I love you, beta. Thank you, sir. Let's go. Hallucination. Second stage of hallucination. Arya ne Gita ko letter nahi likha, tumhe usi ne likha, ye samajhna uska symptom hai. Sir, mujhe hallucination nahi hai. Oh, tumhe gussa aa raha yes. hai na? Just a minute. Hallucination. Hallucination. No. Hallucination. No. Hallucination. No. Expect kiya tha. इसीलिए डमी फोन वहां रखकर ओरिजिनल को बचा लिया। इंटेलिजेंस। जरा उधर देखिए सर। इधर रे। उधर। बेचारा बिल गेट्स भी चला गया। अरे 9th फ्लोर पे या तू, चल खोट। दिखा दूंगी तुझे बिग टाइम चीट। तेरी असलियत सबके सामने नहीं लाई तो मेरा नाम भी गीता नहीं। हिम्मत है तो लेटर अपने हाथ से लिख कर दिखाओ, किसी और के हाथ से नहीं। लेफ्ट हैंड से लेटर लिखने के लिए सॉरी, राइट हैंड से लिखने का मौका कब दोगी? लव आर्या। गीता जी आइए, लिफ्ट देता हूँ। थैंक्स। गीता जी रुकिए, आइए गीता जी, नई कार है, नया सीट बेल्ट है। गीता जी प्लीज। लेट्स गो। थैंक्स गीता जी। गीता जी आपने ऐसा क्यों कहा कि वो लव लेटर आर्या ने लिखा है? मेरा नाम बोलना चाहिए था, मैं भी कबूल करता, बाकी लोग भी यकीन करते। यू हेट चरणदास, आई हेट चरणदास। पहली बार मैं आप पर कब फिदा हो गया आपको पता है? आपने उस चरणदास के मोबाइल को ब्रेक किया ना, तभी मेरा दिल भी ब्रेक हो गया। तुम गाड़ी रोको।
थैंक यू गीता जी। गीता जी, गीता जी, ऐसे ही कभी कभार प्यार भरी बातें करने के लिए अपना फोन नंबर दीजिए ना। लिख लो। बोलिए। 9669-9669-9669। ओके ओके 9669। जिस सीट पर गीता बैठी थी वो भी सो हॉट। हाय। सी यू। सुनो यार, लड़की एकदम पट गई। अरे वही 6th फ्लोर वाली। अरे सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ। कार कैसी, ये कवर कैसा। तू जाएगा। गीता का कोई लवर है सर, कल मैंने उसे लिफ्ट दी इसलिए उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया सर। मेरी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए सर। चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों से मेरा ही फूट रहा है समझ रहा था, अब तेरा भी फूटने लगा। फूट गया सर। क्या कुछ भी नहीं बचा है? बस यही बचा है सर, देख लीजिए। अरे ये क्या एक्सीडेंट इस नंबर की गाड़ी का हुआ है? हाँ सर। टुकड़े टुकड़े इस कार के हुए? हाँ सर, 3 छक्के मेरी गाड़ी का नंबर है सर। ये 3 छक्के नहीं है, 3 नहले है और ये मेरी कार है। आप ये पकड़िए, वो मुझे दीजिए। अच्छा हुआ, जो कुछ फूटता है आपका ही फूटता है। Come on आर्या, have a drink. Sorry, मैं पीता नहीं। Hello boss, he doesn't drink. Mr. Perfect. He's really great. He's not alcoholic. He's workaholic. You know something? He's the most famous guy in AG Technology. इस साल का best employee award भी इसको ही मिला है। Not only that, he is very close to our MD. And yet he is down to earth. Yes. That's good. Yeah. Good. अरे ये बेसिन में क्यों डाल रहा है? टैप वाटर। ये क्या कर रहा है? Come on, Mr. Perfect. पी ले. गीता। नो मिस्टर परफेक्ट, यू आर मिस्टर परफेक्ट।
चीट मिस्टर चरणदास। How dare you touch me? What? मैंने तुम्हें टच किया? नहीं, तुमने टच किया। Hey, can't you listen to me? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? Are you mad? टच किया है तूने? लगता है किसका मोबाइल गया? How you behave? You filthy fellow! What happened? What happened, गीता? Actually, Arya दारू पी रहा था। मैंने मोबाइल में शूट किया। उसे आपको दिखाने के लिए आ ही रही थी। इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मुझे टच किया सर। Arya दारू पी रहा था तो तुमने शूट किया? Yes. Show me the video. Oh shit. सेल टूट गया सर, मैंने गुस्से में आके सेल तोड़ दिया। हेलुसिनेशन, फिफ्थ स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन। नो सर, ये सच है। जस्ट वेट, आई एम डॉक्टर चरणदास। नाइस टू मीट यू सर। साइकोलॉजिस्ट। बेचारी को हेलुसिनेशन है, जो होता है वो नहीं होता है और नहीं होता है वो होता है, ऐसा महसूस होता रहता है। जस्ट वेट गीता, जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग देयर। तुम क्यों चिढ़ रही हो? सॉरी बोल दो तुम। सॉरी गीता, सॉरी गीता। इतना जरूरी नहीं है, सीधे बोलो काफी है। गीता, सॉरी गीता, सॉरी गीता, सॉरी गीता, गीता, सॉरी गीता, सॉरी। मैंने तुम्हें जान के टच नहीं किया। एक्सक्यूज मी। अरे लगता है तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। क्यों बिगड़ रही हो? मैंने तुम्हें टच नहीं किया। तुम्हें लगता है मैंने टच किया? इयररिंग्स बहुत बढ़िया है बेबी। अरे मैंने टच नहीं किया। अगर तुम्हें लगा कि मैंने टच किया तो आई एम सॉरी। मेरा टॉप और तुम्हारा बॉटम मैचिंग मैचिंग। मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड लिया। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। डर के मारे भाग गया। चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी गाड़ी निकालते हैं। करते हैं उसको। से देखेगा तो मैं उसे अंधा कर दूंगा। साथ भी अगर किसी ने छेड़खानी की तो मैं उसे बहरा कर दूंगा। अगर गीता को किसी ने चुआ भी तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा।
हो जाए दिल की ये हालत कैसे कोई समझाए, तू मेरी दीवानी जान के अनजानी कुछ न बोले और मुझको तड़पाए। थोड़ी थोड़ी सी है बोली, थोड़ी थोड़ी सी मन चली, हंसते तो खिल जाए हाँ दिल में कोई कली। जाऊं तो कहां जाऊं, मैं उसमें खो जाऊं, उसके ही दिल तक जाते हैं रास्ते। चाह चाह जाती है वो, पीछे पीछे आता हूं मैं, बस उसका नाम ही लिखता जाता हूं मैं। लव से आ लव करे, आओ ना अब करे,
अब नहीं तो कब करे, रुत है प्यार की। अगर गीता को किसी ने लिफ्ट देने की जरूरत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। That's it. लिफ्ट दी तो गाड़ी तोड़ दोगे क्या? वो कौन था पता है? मेरे घर का ओनर मेरा फ्लैट खाली करवा दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? कहां जाऊं अब मैं? गीता मैडम कौन है? मैं ही हूं। चलिए मैडम घर दिखाता हूं। कौन हो तुम? हाउस ब्रोकर हूं। घर के लिए फोन किया था ना आपने? हा? मैंने तो नहीं किया। अजय का दफ्तर यही है ना, यहीं से तो फोन आया था। मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, फ्लैट नहीं चाहिए, चलता हूँ। रुको रुको, आप क्या हुआ? फ्लैट तो अच्छा है ना? सुपर फ्लैट है, चाहो तो ऑनर को फोन कर लो। चलिए मैडम, यही है वो फ्लैट, ये हॉल है और वो दाएं तरफ है। ये बेडरूम सोने के लिए, आराम करने के लिए। ये है किचन, ये है डाइनिंग टेबल, ये खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। ये है स्टोर रूम, ओनर्स फॉरेन में रहते हैं, सामान इसमें रखा है। ये है सोफा और वो टीवी। देखा कैसे पता लगा लिया मैंने? ऐसी हूँ मैं, फ्लैट देखकर फ्लैशबैक बता देती हूँ। वेल फर्निश्ड फ्लैट, मुझे पसंद आया। तुम्हारा मोबाइल बच गया। मैच बॉक्स कहाँ है? मैच बॉक्स कबर्ड में है। मैच बॉक्स तो मिल गया। कैंडल, कैंडल टीपॉय पर है। हाँ, स्टोव पर दूध उबल रहा है। इनबॉक्स एम्प्टी, नो मैसेजेस, इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। हेलुसिनेशन। चरणदास जी, यू आर राइट, जो होता है वो नहीं होता, जो नहीं होता वो होता है। मन कहीं दूर भटक जाता है। ला 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 ला। प्लीज क्लोज द डोर। पता नहीं, मेरी ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार लगता है हेलुसिनेशन है, कभी लगता है झूठ। लगता है तुम आसपास हो और कभी लगता है नहीं हो। मुझे देख रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो, ऐसा क्यों? लगता है तुम यहीं खड़े होकर मुझे देख रहे हो। लगता है मुझे देखकर हंस रहे हो। खाओगे क्या? अंडा गया, अंडा गया, अंडा गया। मतलब आर्या अंडा चुराने के लिए तुम्हारे घर आया था क्या? अंडा खरीदने की भी औकात नहीं है आर्या की। फिर भी अंडा गया तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं दे सकते हैं ना? हेलुसिनेशन, सेवेंथ स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन। वेरी गुड, गुड प्रोग्रेस, गुड आउट। ओह गॉड, गुड आउट, गेट आउट। वेलकम। मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, ये सिर्फ तुम ही जानते हो, इसलिए यहाँ पीना मुझे सेफ लगा। सुपर बड़ी, अच्छी जगह सिलेक्ट की है तुमने। रुक जा, तुझे ठीक करती हूँ।
वेस्ट, बोलना भी वेस्ट है, कोई यकीन भी नहीं करेगा। हैलुसिनेशन। अरे तुम यहाँ मौजूद हो इसका मुझे ही शक है, तो वो लोग कैसे मानेंगे? हाँ, अरे रुक क्यों गए? पियो बेबी पियो। इस हाथ में दारू, उस हाथ में चिकन और उंगली में सिगरेट। देखो बैड बॉय की तरह कितने अच्छे लग रहे हो। मेरी बात मानो, यही सेटल हो जाओ। परफेक्ट बेबी, ऑमलेट चाहिए? हाफ बॉइल्ड। ओह ऑमलेट तैयार है डार्लिंग। खाओ। गीता को कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। मैं निकाल दूंगी, मैं निकाल दूंगी। हाँ छोड़ दो, नींद आ रही है बेबी। हाँ आओ सो जाओ। गीता, गीता मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मॉर्निंग आराम से बात करेंगे, तुम सो जाओ। हेलो चरणदास जी, आर्या स्लीपिंग इन माय हाउस राइट नाउ। हेलो अजय, जूली, हेलो नाइन्थ फ्लोर, प्लीज कम इमीडिएटली। क्या हुआ गीता, क्या बात है? आइए आपके मिस्टर परफेक्ट का फाइनल एपिसोड देखिए। कम कम इन सीट। जूली। यस सर। वन मिनट, देखो डियर अब तक चार फोन फटाफटा करके फोड़ चुकी है गीता, ये पांचवा फोन है, मेरी बीवी ने प्रेजेंट दिया है, ऊपर से ब्लैकबेरी है, इसका थोड़ा ध्यान रखोगी प्लीज? आओ कुलजा सिमसिम, ये पकड़ो पकड़ो। तुम तीन ताले लगाए हैं, आज इसका खेल खत्म, दुकान बंद। आइए। रुक क्यों गए? देखिए अच्छी तरह से देखिए, यू आर मिस्टर परफेक्ट। क्या हुआ, मेरे फ्लैट में से देखकर चौंक गए? मुझे तो हैल्यूसिनेशन है ना। अब बताओ मिस जूली, मैं आर्या से प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करे इसलिए झूठ बोल रही हूँ? हेलो मिस मेनियन डिप्रेशन, हमेशा ड्रीम्स में जीना बंद करो, वेक अप। व्हाट मिस्टर चरणदास जी, अंडा फूट गया? नहीं फूटा, फुल खंबा मारकर सो गया। बड़ा डॉक्टर है 10 degrees वाला। ए तेरा सेल दे, तोड़ने के लिए नहीं फोटो खींचने के लिए, कल ऑफिस में सबको दिखाऊंगी। आर्या। अरे रे सर को डिस्टर्ब मत करो, ये पोज बहुत अच्छा है। जस्ट वेट आर्या। मैं हूं भाई चरणदास। So, ये गीता तुम्हारे फ्लैट में कैसे आ गई? हाँ गीता तुम्हारे फ्लैट में क्या कर रही है? हैल्यूसिनेशन, लास्ट स्टेज ऑफ हैल्यूसिनेशन। आई नो इट इज हैल्यूसिनो। नो, ये फ्लैट गीता का ही है, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीता के फ्लैट में आ गए हो तुम, अकल भी है तुम्हें? बात ये है गीता, ये तुम्हारा ही फ्लैट है लेकिन ये सेलफोन मेरा है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, तुम्हारे फ्लैट में ही आर्या आया है, वही मैं कह रहा हूँ। क्यों भाई तुम्हें अकल नहीं है क्या, तुम क्यों आए हो यहाँ? मेरी बात सुनो, वो फोन इधर दे दो गीता। नाइन्थ फ्लोर इधर आ, ऐसे फोन देता है कोई उसके हाथ में?
खत्म हो गया। पता नहीं मैं क्या से क्या बन गई हूँ। लगता है मैं वाकई पागल हो गई हूँ। I love you, गीता। Love? ये लव क्या है? दुनिया में कोई ऐसे लव करता है क्या? वो बात नहीं गीता। ऑफिस में सब मुझे गुड बॉय समझते हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं सच बताना चाहता था। तुम मुझसे प्यार करो तो मेरी असलियत जानकर करो, ये सोचा था। तुम्हारे साथ हमेशा मैं बनकर रहना चाहता हूँ गीता। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? I love you, गीता। तो फिर सबके सामने कबूल कर लो, ये सब तुमने किया है, मान लो। नहीं कर सकता गीता, मैं बुरा साबित हो गया तो ऑफिस छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम मुझे सबके सामने आई लव यू कहो, तब सब लोग समझ जाएंगे। पहले तुम कबूल करो, उसके बाद मैं बोलूंगी। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अजय है। अब मैं इसकी कसम खाकर सच कहने जा रहा हूं, गीता को लिफ्ट में किस करने वाला मैं ही हूं। लव लेटर लिखने वाला भी मैं ही हूं। इतना ही नहीं, मैं सिगरेट पीता हूं, दारू भी पीता हूं, और तो और मेरी आंखें भी ठीक हैं, मैं साफ देख सकता हूं। इसलिए किया क्योंकि आई लव यू गीता। सॉरी अजय, उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हें आई लव यू बोलना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके। फिर भी मेरी वजह से उसने सबके सामने सर झुका लिया, थोड़ा बुरा लग रहा है। मुझे उस कदर प्यार करता होगा? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब पहले देखा था सिंसियर मिस्टर परफेक्ट, अच्छा ही लगा था। सच कहूं क्या, वो वैसा ही रहता तो शायद मैं उससे प्यार करती। लेकिन कितना टॉर्चर किया उसने मुझे। अरे लिफ्ट दी तो कार तोड़ दी। कुछ कहो तो, लव कहता है, कैसे यकीन करूं? लेकिन दिल के किसी कोने में उसका लव सच लग रहा है, पता है क्यों? तुम्हारी फ्रेंडशिप की वजह से। वो तुम पर जान छिड़कता है। हे, मैंने तुम्हें इसीलिए आई लव यू कहा कि किसी और को कहती तो वो उससे कुछ भी कर देता, पर तुम हो तो वो कुछ नहीं करेगा। थैंक्स। वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं ये बात भी वो जानता है। जी वो नकाबपोश गाड़ी थी ना, वही गाड़ी अजय साहब को भी ठोक दिया। वही था ना,
वही था ना? खैर छोड़ो, मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर कुछ हो जाता तो? अरे कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर कुछ हो जाता तो? ए! मैंने बस यूं ही तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए अजय से आई लव यू कहा था। अजय तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे कुछ नहीं करोगे ये सोचा था, लेकिन तूने उसे भी मारना चाहा। हाँ, दोस्ती की कीमत नहीं जानता तो प्यार क्या जानेगा। अब मैं कह रही हूँ, I love Ajay, I really love Ajay। अब क्या करोगे, मार डालोगे? जाओ मारो, do what you want। Hey, Arya, Arya। रुक जाओ अजय। Arya रुक ना। जाने दो। गीता मेरी बात सुनो। Let him go। गीता please। Just listen to me। देखो वो जा रहा है। उसे जाने दो। Let him go to hell। गीता तुम नहीं जानती, वो बड़ा sensitive है। गीता please। अजय। ये सब कैसे हुआ जाए? सब ऐसा हुआ कि जैसे तूने गीता को चुम्मा दिया तो वो मेरे पास आके रो रही थी। मैंने उसे समझाया, वैसे मैंने एक दोस्त की तरह उसे समझाया, लेकिन वो गलत समझ बैठी। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ओह एक्सीडेंट, वहाँ मैं कार पार्किंग कर रहा था यार, अचानक पीछे से एक गाड़ी आके टकराई और मैं गाड़ी पार्क करके लगभग बाहर ही निकल रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त मेरे हाथ में। मुझे क्यों नहीं बताया? बताया नहीं, अरे वही मैं फोन करने वाला था लेकिन इतने में मेरा मोबाइल टूट गया। वैसे भी मैं बेहोश हो गया था ना यार। गीता को सहलाने वाली बात मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बोलने ही वाला था लेकिन। तो फिर क्यों नहीं बताया? वही यार, मौका ही नहीं मिला। मैंने पूछा क्यों नहीं बताया? वो क्या है कि मैं वो नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। पता है क्यों? मैं चाहता था कि तुम गीता को हर्ट करो। जिस दिन तूने उसे चुमा दिया उस दिन वो मेरे पास आके रोई थी, मैंने उसे तसल्ली दी। उसके बाद जब भी तू उसे हर्ट करता था वो मेरे पास आती थी। मतलब मुझे गीता का दिल जीतने के लिए तेरा उसे हर्ट करना जरूरी था, इसलिए मैंने नहीं बताया। गीता के दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तेरे लिए नफरत है। उस नफरत को मैं अपने प्यार में बदलना चाहता था, बदल दिया। उस दिन फ्लैट में भी सिर्फ तेरी नफरत की वजह से उसने मुझे आई लव यू कहा था। मैं उसे सच में बदलना चाहता था, इसलिए मैंने उस दिन एक्सीडेंट का नाटक किया। मैंने साबित किया कि तेरी फ्रेंडशिप की कोई अहमियत नहीं है। नाउ शी इज माइन। दिल से आई लव यू बोला है उसने। सिर्फ एक टॉस करके तू गीता को मुझसे छीन सकता है क्या? मतलब तूने धोखा दिया? हाँ धोखा दिया। Everything is fair in love and war। गीता के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया, इसका मतलब कितना ग्रेट लव है रे तेरा। मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं होने दिया तूने, और मुझे ही शक नहीं हुआ, इसका मतलब तू ग्रेट है, इसलिए तू नंबर वन है। माय फ्रेंड नंबर वन, माय फ्रेंड अजय इज नंबर वन। इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया? पागल। हे वो देख, वहां गीता आ रही है, तू चल मेरे साथ। रुक 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 रुक, एक मिनट। गीता ने तुझे आई लव यू कहा, ठीक है, तूने गीता को आई लव यू कहा? नहीं कहा? कदा कहेगा, उसे बुरा लगेगा, अभी बोल दे। रुक रुक रुक, एक मिनट, ऐसे लगा ले, गीता को पता चल जाएगा नहीं तो। अरे हाँ, वो मुझ पर गुस्सा थी इसलिए तुझे आई लव यू कहा। अब उसे अगर इस चीटिंग के बारे में पता चल गया तो वो तुझ पर गुस्सा होकर मुझे आई लव कह देगी। बाप रे, मतलब गीता को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैं कभी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। तू भी मत बताना, ओके? ठीक है, चल। एक मिनट, एक और बात कहनी थी। इतनी बड़ी बात हो गई ना तो मैं दो दिन तुझसे रूठा रहूंगा। मैं तुझसे बात ना भी करूँ ना तो भी तू मुझसे आके बात करना। ए आर्या, क्या हुआ तुझे? अगर तूने ऐसा बोल दिया ना तो मैं गुस्सा थूक दूंगा, ठीक है ना? हाँ, अब चल। एक मिनट, एक बात और थी यार। अब तू गीता को आई लव यू बोलेगा तो वो तेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं जज्बाती नहीं हो पाऊंगा, इसलिए आखिरी बार एक मिनट के लिए उसके साथ लवर की तरह जज्बाती होने देना प्लीज यार। हाँ हो गया, थैंक्स यार।
तो जाके बोल दे। गीता। हेलो। हाँ, कब हुआ ये? लव। कौन सा हॉस्पिटल? कैसे हो गया ये सब? कैसे हो गया सब? गीता आ गई है। hey, क्या हुआ? जूली ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है। मैं गीता से लव करता हूँ ये जानकर वो हर्ट हो गई। कितना प्यार करती थी वो मुझसे, एक बार भी मैंने उसे रेस्पॉन्स नहीं दिया। ए, जूली को क्या हुआ? हैं? उसको क्या हुआ? ऐश कर रही है। तो तूने ऐसे क्यों कहा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की? नहीं तो और क्या कहता? तू गीता को आई लव यू बोल रहा था तो मुझे रोना आ गया। फ्रेंड के खुशी में रहूं तो कैसा लगेगा, इसलिए जूली का सुसाइड का बहाना बनाकर रो लिया। अब भी रोना चाहता हूँ लेकिन वजह ही नहीं है। कोई सुसाइड कर ले तो अच्छा होता। ठीक है, अब बहुत हो गया, चल। चल तू जा। लेट्स गो। ए, मैंने तुझसे क्या कहा था? मैं 2 दिन तुझसे रूठा रहूंगा। अगर मैं तुझसे बात ना भी करूं, तू मुझसे बात कर, कहा था ना? चल अब मुझसे बात कर। ठीक है तो फिर चल। अजय, डियर फ्रेंड्स, मेरा बेस्ट फ्रेंड अजय, मेरी लवर गीता, उनका लव सक्सेस। क्लैप्स। और तुम्हारा लव?
मॉर्निंग. हेलो गीता. हाय. अजय, गीता की जिंदगी से दूर चला जाना चाहिए. काम कर अपना. सॉफ्टवेयर गया भाड़ में. हेलुसिनेशन, सेकंड स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन. किसको सर? मुझे ही. आर्या को देखो, पीकर आया है ऐसा लगता है. यही आ रहा है ऐसा. मिस्टर चरणदास. यस. 10 degrees. हाँ. All sick. मैं भी sick, तू भी sick. अरे यू वेट. मुझे ऐसा लगा कि उसने यहाँ से कुछ उखाड़ा. बेस्ट एम्प्लॉय क्या आपका? अजय. जाने से पहले गीता और अजय की कुछ मदद करनी होगी. अचानक शादी कैसे तय कर दी? पता नहीं, पापा ने तय कर दी. तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी, वो कैसे तय कर सकते हैं? वो मुझे बेहद प्यार करते हैं. प्यार करते हैं तो ऐसे शादी तय करेंगे? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? लवर्स प्रॉब्लम्स. मुझे ऐसे कोई झंझट नहीं है. क्यों रे, झगड़ा कर रहा था क्या? ए, बिछड़ रहे हो क्या? सॉरी लेडीज. अजय सिगरेट पी ले. पी ले. अरे नहीं गीता, वो गुस्सा आ जाएगा. अजय के सेलफोन की वार्ड लग जाएगी. चलो मैं तो निकलता भैया. चल बेटा आर्या. चल. आर्या यहाँ क्या कर रहा है? तुमने उसे निकाला क्यों नहीं? वो मेरा दोस्त है, जाने दो. दोस्त? नमस्ते बाबू. तुम्हारी जान लेनी चाहिए, अब भी तुम उसे दोस्त मानते हो? अब हमारे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे ना? तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हमारी गीता लव्स मैरिजेस. ओके, आप आओगे तो शादी होगी, आप नहीं आओगे तो अभी शादी होगी. नो. अरे किसे बात? मेरा बेस्ट फ्रेंड हमारी गीता लव्स मैरिजेस. ओके, आप आओगे तो शादी होगी, आप नहीं भी आओगे तो भी शादी होगी. अरे इस शादी को मैंने हाँ कर दी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन है? अरे इतनी अच्छी प्यारी जोड़ी है दोनों. किससे बात कर रहे हो? किससे बात करूंगा, तुम्हारा फोन है तुम्हारे डैडी. तुम पागल हो क्या? पता है मेरे पापा कौन है? मुझे माफ कर दो गीता, सच में मैं नहीं जानता था तुम प्रतापगढ़ से हो. तुम्हारे डैडी ठाकुर राज सिंह है. अरे अजय मुझे बहुत डर लग रहा है यार. अरे वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं. गलती से फोन हो गया यार. ए जूली तू ही समझाना यार, वो इन्हें मार डालेंगे. जूली ये मर गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा. चुप कर, मैं भी मर जाऊंगा. गीता मेरे दिमाग में एक ही सोल्यूशन है, कल हम दोनों की शादी. शादी? My love is gone. My love is gone. Morning sir. गीता अभी तक आई नहीं है सर. बाप रे, थोड़ी देर में शादी हो जाएगी, क्या करूं? और ये सुन बे, चल हट रास्ते से. कौन है ये? क्या हुआ? गीता अभी तक आई नहीं. क्यों? लड़का पसंद नहीं है? हेलो गीता. अरे कहाँ हो? मुहूर्त का वक्त हो गया. मुहूर्त? तुम जानते हो मैं कहाँ हूँ? प्रतापगढ़ में. हाँ? रातों रात हमारे लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए. क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. अजय प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है. आई दादी माँ. अजय डू समथिंग. योर लव इज गॉन. कहाँ जा रहा है बे? प्रतापगढ़. प्रतापगढ़? वो किस लिए? गीता को लेके आने के लिए. पागल हो गया क्या? प्रतापगढ़ है, मार डालेंगे तुझे. तो मारने दो, गीता के बिना मैं जी नहीं सकता. तू ऐसे मत बोल यार, देख तू नहीं रहेगा तो मैं भी. प्लीज. और मैं क्या करूं, तेरे वजह से वो लोग गीता को गांव लेके गए, अब कौन लेके आएगा उसे? तू जाएगा? आइडिया अच्छा है,
मैं लेकर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। नो 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 प्लीज प्लीज, तूने कहा था ना गीता मेरी वजह से चली गई, मैं ही जाऊंगा, उसकी शादी तोड़कर उसे ले आऊंगा। रहना जरूरत नहीं, मैं जाता हूं। कॉइन देखना, हेड्स मतलब तू जाएगा, मतलब मैं ही जाऊंगा। मैं प्लीज प्लीज, देख सब फाइनल हो गया, सब फिक्स हो गया, मैं कहा जाऊंगा, मैं उसे लेकर आऊंगा। अजय आर्या फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अच्छा ये बैग में लेता हूँ, ये ग्लास तू रख, मैं गीता को लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे वहां भेजने के लिए तू नाटक तो नहीं कर रहा है ना? फिर भी कोई बात नहीं यार, तू मेरा फ्रेंड है यार, मैं तुझ पर यकीन करता हूं। तुम्हारा नाम आर्या है? हाँ है। मुझे गीता मैम साहब ने भेजा है, चलो। अभी घबराओ मत, बम ठीक से फटेगा या नहीं चेक कर रहे हैं। वो बैग ले लो, मेरा तो एक ही हाथ है ना, ले लो। अच्छा, तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? मेरे दोस्त ने किसी की शादी बिगाड़ दी थी, मैं उसका दोस्त हूँ ना, इसलिए उसने मेरा हाथ काट। और तुम्हारा दोस्त? उसने उसका सर काट दिया, वो समाधि देख रहे हो उसी की है। अच्छा, लगता है वो जश्न मना रहा है। छोटी मालकिन की किसी लड़के से दोस्ती है, ये बड़े मालिक जानेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, संभल कर रहना। क्या मांगो, कौन है ये? छोटी मालकिन के दोस्त हैं, शहर से आए हैं। ऐसे क्या देख रहे हो, शादी में आए हैं, हटो जाने दो। ए मंगो। हाँ भैया। तेरे हाथ के साथ साथ तेरा भेजा भी कट गया है, किस शहरी लौंडे को लेकर आया है? मेरी जानकारी में तो कोई दोस्त नहीं है। कहाँ से आया तू? मुंबई से। वहाँ दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। बोला कौन आया है, उसे यहाँ भेजो। मैंने तुमसे कहा था ना। ए, बड़े साहब बुला रहे, जाओ। अगर तू मर गया तो इसका क्या करूँ, बोल के तो जा। से जाकर बोलो ठाकुर राज सिंह ने बोला है। जी। जाओ। अच्छा ठाकुर साहब। तुम कौन हो बेटे, बोलो। मैं गीता का लवर। रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं गीता से लव करता हूं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि गीता भी मुझसे लव करती है। छोड़ दो उसे। मैंने गीता से प्यार किया, लेकिन गीता ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं गीता का लवर हूं, इतनी हिम्मत से मैंने कबूल किया तो इसकी वजह यही है सर। आपके बारे में बहुत सुना है सर, आप अपने दुश्मन करण सिंह के बेटे से अपनी लड़की की शादी करा रहे ताकि आपस में लड़ने वाले दो दुश्मन खानदान एक हो जाए। आपके इस फैसले से खून की नदी बहने वाले इस प्रतापगढ़ में शांति कायम हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। दुश्मन को ही अपना समधी बनाने वाले आप जैसे नेक इंसान के सामने झूठ नहीं बोल सकता सर, इसलिए इसलिए मैंने सच कह दिया। लेकिन यहाँ तो आपके आदमी मेरा गला काट में तुले हुए हैं। ये देखिए, यही जुनून आपकी तलवारों में भी ऐसा ही है, बॉम्ब में भी ऐसा ही है, और इंसानों में भी ऐसा ही है, तो कहाँ से शांति आएगी सर? एक छोटी सी बात को गलत समझकर मुझे मारने चले आए, कई सालों से आपकी दुश्मनी चल रही है सर। भगवान न करे अगर छोटी सी गलतफहमी हो गई तो शादी का मंडप शमशान घाट बन जाएगा। सॉरी सर, मैं तो शादी देखकर जाने वाला था, लेकिन अब मैं समझ गया ये शादी नहीं होने वाली। मैं तो पहले से ही कह रही थी ना, ये शादी नहीं हो सकती। हम अपनी बेटी को दुश्मन के घर कैसे भेज सकते हैं? तू क्या देख रही है पिस ना? हाँ अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चलता हूँ सर। रुको भाई, तुम बेबी के लवर हो, सुनते ही हमने चाकू छुरी उठाया, अब गुस्सा खत्म। चाहो तो देख लो, ए चूरा फेंक दो। हम बदल गए? नहीं भाई, तुम लोग नहीं बदले। वाकई बदल गया, अरे बोल ना। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत बदल गए हो भाई। हाँ रतन, इस लड़के ने सही कहा, ये तलवार ऐसे ही है, ये बम ऐसा ही है, हम भी वैसे ही हैं। जब तक हम ऐसे रहेंगे ये शादी नहीं हो सकती। जो भी हो, हमारे दुश्मन है वो, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं रे, ये विश्वास की बुनियाद पर होने वाली शादी है, उन्हें हम पर विश्वास करना चाहिए और हमें उन पर। पहले की दुश्मनी भूल जाओ, हमारी हवेली में तलवार या बॉम्ब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ये सही नहीं होगा साहब। जो कहा है वो कर। फेंक दो रे।
क्यों मुस्कुरा रहा है? ये शादी नहीं होगी सोचकर? हाँ, होकर रहेगी, धूमधाम से होकर रहेगी, यहीं रहकर देख लेना। ए, जी। ये बच्चा हमारा मेहमान है, इसका सामान अंदर लेकर जाओ। अच्छा मालिक। इस घर की औरतों की मांग उजाड़ने की कसम खाई थी, लेकिन इसी घर की लड़के की मांग भरने जा रहे हैं। देखो ये सब हमारे दुश्मन है, जरा होशियारी से रहना। तुम लोग उन पर यकीन कर रहे हो, ठीक है, क्या वो लोग तुम पर यकीन करेंगे? हमें उन पर यकीन करना है और उन्हें हम पर। साहब ने यही कहा ना। यकीन है? हाँ। कंगी है भाई, कंगी, कंगी है। छुरे हैं, छुरे हैं, छुरे हैं। बहुत यकीन करते हैं वो लोग तुम पर। ये सब क्या है करण सिंह? शादी में चाकू छुरे क्यों लाए, यही सोच रहे हैं ना? आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। आज से हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। ए, सब लोग समर्पित करो, समर्पित करो। ठाकुर साहब आइए, गले मिलते हैं। आइए समझे। मिल गया, मिल गया। कैसे हैं? सब लोग गले मिलो। इसे गले मिलना नहीं कहते, सिक्योरिटी चेकिंग कहते हैं। अबे वहां क्या दबा रहा है, हाथ निकाल। घबरा गए क्या? नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है, सब लोग आ जाओ। मैं नहीं घबरा रहा, तुम लोग बेकार में डर के मुझे भी डरा रहे हो। गधे कहीं के, हम नहीं डरते, हम लड़के वाले भाई। हाँ, ये जामुन का पेड़ है, लेकिन इसे यहाँ सब गीता बिटिया का पेड़ कहते हैं। पता है क्यों? बचपन में गीता बिटिया जामुन खाकर यहीं पर थूकती थी, इसीलिए यहाँ पर पेड़ उगाया। खींचो खींचो पड़ो खींचो। इस दहलीज पर लगकर ही गीता बिटिया बचपन में गिर गई थी। गीता बिटिया को गिराने वाली इस दहलीज को कोई ना लांगे, इसलिए बड़े साहब ने इसे बंद कर दिया। खींचो खींचो, इधर भी खींचो। हाँ, दिन से गिराने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो गिरती नहीं है। लेकिन तूने बचपन में गीता को गिरा दिया। नॉटी नॉटी नॉटी। इस नांद की भी एक कहानी है, गीता बिटिया बचपन में। मंगू, मेरा बैग लेकर आ, मैं अभी गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे रुक रुक रुक, तुम गए तो ये हाथ भी कट जाएगा। बड़े साहब ने रुकने के लिए कहा है, ये नहीं जाएंगे। तो ये मुझे कैसे बुला रही थी, जैसे मैं कोई नौकर हूँ? मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, अगर काम करवाना है तो प्यार से बुला। प्यार से बुलाने को बोल। वो जैसा कह रहा है वैसा बुला दो बिटिया। आर्या, फील नहीं है। अब देखो मैं कैसे बुलाऊंगा। गीता कैसा है? बहुत फीलिंग है भाई। अब तुम ट्राई करो। आर्या? अच्छा नहीं है, प्रैक्टिस करो। मंगू बोलो। आर्या? अरे वो नहीं रे, तू कमेंट्री बोल। हमारी गीता बेटिया रोज इसी नाद के पानी से नहाती आजकल भी नहीं, बचपन में। क्यों, किस लिए शूट कर रहे हो ये सब? मुझे शूट करने का कोई शौक नहीं है, अजय ने कहा है इसलिए शूट कर रहा हूँ। चल मांगो। यहाँ पर गीता बेटिया का साइकिल, स्लेट, खिलौने। यहाँ पर ये बड़े साहब का बोलो। थैंक्स। हाँ हाँ ठीक है बोलो। तुमने मेरी बचपन की यादगार चीजों को शूट करने के लिए बोला? शूट करने के लिए बोला? मैंने शादी रोकने के लिए उसे भेजा था। पहले उसे फोन दो। अजय, गीता। बचपन में गीता बेटिया इनसे मम्मी पापा का खेल खेलती थी। ए, ये कौन है? गीता बेटिया। कितनी क्यूट है ना? हाँ हाँ। लगता है बचपन से इसको फोन से बहुत लगाव है। ये आप कैसे जानते हैं? कैरेक्टर ही ऐसे। ए, बचपन में ही इसे गोल्ड मेडल मिल गया? वो गोल्ड मेडल नहीं है भाई, शर्म का बिल्ला। बात ये भाई, डॉलर है। शर्म का बिल्ला यानी शाय कॉइन। अरे गीता के बचपन की छोटी छोटी चूड़ियां। गीता के बचपन का छोटा छोटा परांदा। टिंग टिंग। गीता के बचपन की छोटी छोटी चप्पलें, बड़े बड़े पैर और बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी गीता। अजय ने शूट करने को कहा था? अजय ने कुछ भी शूट करने को नहीं कहा, मैं जानती हूँ। वो मुझसे उस हद तक प्यार नहीं करता। नहीं गीता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। करता तो वो खुद आ जाता, तुम्हें क्यों भेजता? मतलब
वो खुद नहीं आया तो वो तुमसे प्यार नहीं करता? जानती हो कितना प्यार करता है वो तुमसे? तो क्या तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ, पता है कितना? ओ चांद तारे तोड़ के तेरे प्यार मिलाएगा, जिस राह से गुजरेगी वो फूल बिछाएगा, हो तेरी झील सी आंखों में वो सपने सजाएगा, और तेरे उन सपनों को वो सच कर जाएगा। हेलो अजय, गीता नहीं, ए हो चांद तारे तोड़ के तेरे प्यार मिलाएगा, जिस राह से गुजरेगी वो फूल बिछाएगा, हो तेरी झील सी आंखों में वो सपने सजाएगा, और तेरे उन सपनों को वो सच कर जाएगा। बेबी ही लव्स यू, लव्स यू, लव्स यू सो मच, बेबी ही लव्स यू, लव्स यू, लव्स यू सो मच। चांद तारे तोड़ के तेरे प्यार मिलाएगा, जिस राह से गुजरेगी वो फूल बिछाएगा, हो तेरी झील सी आंखों में वो सपने सजाएगा, और तेरे उन सपनों को वो सच कर जाएगा। बेबी ही लव्स यू, लव्स यू, लव्स यू सो मच, बेबी ही लव्स यू, लव्स यू, loves you so much. मेहंदी इन हाथों में उसके ही नाम की, सीता हो जाएगी अपने ही राम की, ये दिल क्यों डोले है, धड़कन क्या बोले है, चुपके से दिल का ये भेद खोले है। बेबी ही लव्स यू, लव्स यू, लव्स यू सो मच, बेबी ही लव्स यू, लव्स यू, लव्स यू सो मच। साजन के दिल में ही रहती है, जब तक ये सांसें हैं वो तुझको चाहेगा, तेरे बिन सच बोलो न जी पाएगा। शादी रोकने का कोई इरादा है या नहीं? उधर शादी की सारी तैयारियां हो रही हैं और तुम कुत्ते के साथ खेल रहे हो, ये कुत्ता रोकेगा क्या शादी? नमस्कार, जानता हूँ इन्होंने तो हमारे चचेरे भाई को मारा था। क्यों भाई? अरे अगर हम दोनों संधि नहीं होते तो मैं इसकी गर्दन उड़ाने वाला था। फोटो खींचो भाई। गीता रही है भाई, भाभी आ रही है। हाँ
अजय की वाइफ है। पर बहुत यकीन कर रहे हैं ये लोग। यकीन वकीन नहीं है, सबके सब कुत्ते की औलाद हैं। ये तो इसने सही कहा। क्या बात है करण सिंह, क्या हुआ? ए राज सिंह, हमसे मुकाबला करने की ताकत खत्म हो गई, जो शादी की दावत में जहर मिला दिया। देख देख कुत्ता कैसे मर गया। नहीं करण सिंह, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, भला हम खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? ए बंद कर अपना ड्रामा, तू इतना बड़ा ठाकुर है इसलिए तेरी बातों में आ गया, लेकिन पीछे से वार करेगा नहीं जानता था। तू पूरे प्रतापगढ़ की इज्जत मिट्टी में ला दी। तू लाना था तुझ पर। देखो करण सिंह, जबान संभाल के बात करो, एक बार तलवार उठाई तो 20 आदमी के सर काटने वाला हाथ है ये। तुम्हें जहर देकर मारने की जरूरत नहीं है हमें, अगर अनजाने में कोई भूल हुई है तो सर झुकाकर प्रायश्चित करने के लिए हम तैयार हैं। बताओ क्या करूं, बताओ। बताता हूँ, उस कुत्ते का जूठन लेकर आओ, खाओ। इसमें कुछ मिलाया नहीं ना, तो खाओ। रुक जाइए साहब, आप कुत्ते का जूठन खाएंगे क्या? हमें मत रोको, हमने अगर ये खाना नहीं खाया तो उनका इल्जाम सच हो जाएगा। सामना करने की हिम्मत ना होने की वजह से राज सिंह ने शादी में बुलाकर खाने में जहर मिलाकर मरवाया, ऐसी तोहमत नहीं चाहिए। अब विश्वास हुआ तुम लोगों को? लेकिन कुत्ता कैसे मर गया? ए, कुत्ता कहाँ गया? वो तो खपकट कर चला गया। कहते हैं उल्लू का बट्टे। ए, राज सिंह जी, मुझे पूरा भरोसा है, कुत्ता भी जिंदा है, आप भी जिंदा हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, हम शादी के लिए तैयार हैं। पंडित जी पढ़ो मंत्र, पढ़ो बैंड बजाओ भाई, चलो चलो दावत खाओ, चलो। नहीं करण सिंह, ये शादी नहीं हो सकती। सोचा था तुम भरोसे के साथ आए हो, लेकिन तुम बिना भरोसे के आए हो। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा दी। भरोसा तो एक शीशे की बोतल की तरह है, जो एक बार टूट गया तो फिर कभी नहीं टूट सकता। जिस घर में भरोसा नहीं है वहां मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती। बाहर निकलो, निकल जाओ। ए, मैं यहाँ तेरी बातें सुनकर तू मिलाने नहीं आया हूँ। मेरा बेटा तेरी बेटी पर फिदा हो गया तो चलो उसे ऐश करने दो, ये सोच कर यहाँ आया हूँ। यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा मैं पहले ही से जानता था, इसीलिए दूसरे छुरे भी लाए हैं। मुझे गीता चाहिए। लड़की को उठा लो। ओम शांति। पिताजी, गीता का गर्दन संभाल के। पिताजी संभाल के। पिताजी देखिए, संभाल के। लड़की को अंदर जी, चलो। अरे तू चिल्ला मत, मैं इसकी गर्दन नहीं काटने वाला। अरे इसकी गर्दन पे अगर चक्कू नहीं रखेंगे तो आएगी कैसे? चल तू जा। पिताजी तू गाड़ी में बैठ के घर पहुँच के जल्दी से तैयार हो, हम लोग बस में आते हैं, जल्दी कर। अरे
क्या बताऊं, उस राज सिंह की गर्दन पे छुरा रखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा था। काश कि किसी ने फोटो खींच ली होती तो मजा आ जाता। काय वाले लड़के ने फोटो खींचा है उससे ले लेंगे। अरे तो फिर उसे पकड़ो, उस फोटो का बहुत बड़ा कटआउट लगाकर गांव के चौराहे पे लगाऊंगा, मजा आ जाएगा। गाड़ी में क्या कर रहा है? ए, उतर। अबे उतरने के लिए कहां से पीछे देख रहा है? ए, उतरना, उतर। घर पहुंच गए इसलिए बहुत खुश हो रहा है ना? अभी भी मेरी ही जीत हुई है। तेरा गौरव, इज्जत, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल गया। राज सिंह की बेटी की शादी मंडप पे रुक गई, जरा सोच कितने अपमान की बात है। छी छी छी। बोल क्या मेरी बीवी? शादी करने वाले की मैं गर्दन काट डालूंगा। कम्मा कहेगा, मुश्किल से मिली एक बहू को भी बचा नहीं पाया। सुभाष, मैं तेरा बाबू। भूल गया सुबह। Hey, Subhi, शादी ना हो तो फिर चप्पल से मार। राज सिंह, तेरी बेटी या तो मेरी बहू बन के रहेगी या फिर विधवा, विधवा बन के रहेगी। राजी है कहकर हाँ बोला। अब देखो बच्ची की जान पर आ गई है। ये शादी मत कर पहले मैंने बोला था, लेकिन मेरी कौन सुने। उसे छोड़कर किसी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार है मेरी बच्ची। हाँ पिताजी, वो हमारे विरोधी थे इसलिए मैंने ना कहा था। आप इस तरह दुखी मत होइए पिताजी, अब तो जो आप कहेंगे वही मैं करूँगी। आप क्यों उदास हैं साहब? डर के मारे भाग गए साले, बचकर कहाँ जाएंगे? काट कर धर देंगे सबको। अब इसका एक ही रास्ता है, इसी मुहूर्त पर गीता की शादी हो जानी चाहिए। आप हाँ तो कीजिए साहब, छोटी मालकिन से शादी करने के लिए हजारों लड़के लाइन में खड़े हो जाएंगे। दादी माँ। हाँ मालिक, ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा बेंगलोर में बिजनेस करता है, करोड़ों रुपया कमाता है। सुना है उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आर्या, इधर आओ। बोलो बेटे, मेरी बेटी गीता से शादी करोगे? कर लूंगा बाबूजी। Never.
हेलो अजय, गीता की शादी हो गई। हाँ अबे ओ कथे क्यों रात, वहाँ उसकी शादी हो गई, तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? ओ फोटो से मजा ले रहा है। मुझे गीता चाहिए। क्या तेरे दिमाग खराब हो गया? गीता चाहिए। गीता गीता यहाँ बैठ के ये रटता रहे, एक दिन ये पागल हो जाएगा देख लेना। ग्रीवस्ते लक्ष्मी करमजे सरस्वती करमोले तु गोविंदो प्रभातो करदर्शनम हरे राम 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 हरे हरे। बेटा ए बेटा, क्या हुआ माँ? गीता दिखाई नहीं दे रही है, सब जगह ढूंढ कर आई हूँ। ए रतन आता है। अरे अजय गुस्सा मत, मेरी सुनने के लिए रखा है मेरी बात, मेरी क्या कर दिया तूने? गीता को लेके आऊंगा कहकर खुद ही उससे शादी कर ली तूने? बात तो सुन यार, बोलना बोलना ऐसा क्यों किया? सुन तो सही। अरे छोड़ ना मुझे, मैंने जानबूझकर गीता से शादी की, नहीं तो तेरा ससुर किसी के साथ भी उसकी शादी कर देता है। और इस लड़की ने इमोशंस में आके कह दिया था मैं कुत्ते के साथ शादी कर लूंगी, तो वो कुत्ता मैं बन गया। मेरे साथ शादी हुई है इसलिए गीता तेरे सामने आके खड़ी हुई है, वरना आज वो किसी और के घर पे होती। तूने मुझ पर बेकार में ही हाथ उठाया। सॉरी यार। कोई बात नहीं यार, तुम लोग सबसे पहले यहाँ से भाग जाओ, यहाँ रहना बहुत डेंजरस है। तुम लोग इंडिया छोड़ के चले जाओ, यूएस चले जाओ, वहाँ जूली के पास पासपोर्ट टिकट सब कुछ रेडी है, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से मुंबई जाकर फ्लाइट पकड़ लो, वहीं पर कुछ दिन रहना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जाकर बैग ले गया। सॉरी आर्या, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो सब ठीक है यार, पहले तुम लोग यहाँ से जाओ, जल्दी से जाओ, ये जगह बहुत डेंजरस है, ओके जल्दी जाओ। अरे स्टेशन उस तरफ नहीं है, इस तरफ है, जल्दी जा। बेटा गीता दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई पता नहीं, तुझे कुछ पता चले तो अपने ससुर को इस नंबर पर फोन कर। जीजा जी आ गए। बाबूजी, गीता रेलवे स्टेशन में है। बाबूजी ये मेरा फ्रेंड अजय है, गीता इस स्टेशन पर इसीलिए बताया था, मेरी शादी हो गई ना इसलिए मुझसे मिलने आया था, थोड़ी और देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। माफ कर दो दामाद जी, इसे वहाँ छोटी मालकिन से बात करते हुए देखा तो गलत समझ बैठा। अरे मेरे आने तक मैंने इसे कहा था कि गीता से बात कर ले। क्या रतन भाई तुम भी, सॉरी अजय, सॉरी सॉरी यार। माफ करना बेटे, गलती हो गई, बिटिया दिखाई नहीं दी तो हम सब बंधे हो गए। ये क्या बिटिया, तुम्हारी वजह से सबको परेशानी हुई देखा? बाबूजी इसमें गीता कोई दोष नहीं है, इसकी पसंद से शादी नहीं हुई ना इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, ये समझ जाएगी, समझ जाएगी। है कि नहीं गीता? चलो जो होना था हो गया, प्रतापगढ़ का चाकू छुरी तो तुमने देख लिया, हमारे साथ चलो प्रतापगढ़ की खातिरदारी भी देख लेना। यार बाबूजी बहुत अच्छे, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। साहेब देखा आपने, दामाद जी बेबी की कैसी तरफदारी कर रहे थे।
मेरा दामाद तो सोना है। अच्छा वो तू वक्त पर आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तू वहां ठीक उसी वक्त। मैं दरअसल रेलवे स्टेशन पे था, ये वो लोग कैसे जान गए? मैंने ही बताया था। अजय क्या हुआ यार, संभाल, ध्यान से यार, ध्यान से, आराम से पीना। देख मैंने लवर को तो सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन वाइफ को सैक्रिफाइस करना मेरे से नहीं हुआ यार। गीता जा रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने बाबूजी को फोन कर दिया। सॉरी यार, वापस ऐसे कभी नहीं होगा, प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना? बापरे बापरे, शुक्रिया भगवान, ये मान गया, तू मान गया, इतना ही काफी है। अरे यार वैसे भी हमारा प्लान ही गलत था, गीता अकेली जाएगी तो उन्हें डाउट होगा ही, तुम दोनों जाओगे तो पकड़े जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पंडित जी आए कि नहीं? मैं कह रहा हूँ तुम दोनों जाओगे तो पकड़े जाओगे, इसलिए हम तीनों मिलकर मुंबई जाएंगे। अगर वहां से तुम दोनों अमेरिका चले गए तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये प्लान सही है, समझ गया ना? ये क्या बेटा, यहीं पर बैठे हो? वहां अंगूठी का खेल खेलना है, जल्दी से तैयार। बस अभी आए दादी जी। ये लड़का कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है अजय। होशियार रहना, दोस्तों पर भरोसा मत करना, डुबा देंगे। ठीक है दादी जी। अरे ध्यान मत दे, मेरे लिए बोल रही, रिंग वाला खेल खेलने को कह रही है तो जाकर खेल लूं क्या? नहीं बोलेगी तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। गीता को तो तुझे दे ही रहा हूं ना, तो रिंग वाला खेल तो खेलने देना यार, प्लीज यार। बुरा लग रहा है? अरे बापरे, तू हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी फ्रेंडशिप से बढ़कर कोई और खेल नहीं है यार। अरे मुझे पूरी जिंदगी बुरा लगेगा, तुझे एक दिन बुरा लगेगा तो क्या हो गया? गधा हूं मैं, गधा हूं मैं, गलत बात है। नहीं यार, एक दिन भी हो लेकिन बुरा तो लगता ही है ना। नहीं 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 नहीं, अरे शादी रुका दी तो ये खेल भी रुका सकता हूँ, नहीं खेलूंगा यार। दामाद जी, बाबू सब आ गए हैं, आपका इंतजार है। आया ना बाबू जी, अभी आया। देखो बेटियां और दूल्हे राजा, मैं ये रिंग घड़ी में डाल रहा हूँ, जिसे मिलेगी वो जीतेगा। खेलो बेटी, खेलो ना। ये क्या है गीता बेटी, छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही हो। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अपना फोन दीजिए। सुनो तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, नहीं तो इन्हें डाउट हो जाएगा, अजय पकड़ा जाएगा और पूरी जिंदगी तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। खेलो पंडित जी, ये तैयार है, चलो शुरू करें। शुभम। एक कंडीशन है, हंसते भी खेलना पड़ेगा। शाबाश। दामाद जी तो जादूगर है साहब, छोटी मालविन को यूं ही मना लिया। ये इतनी बत्तीसी मत दिखाओ, आजी को बुरा लग जाएगा। जाकर बोल। ये अपने ललितपुर वाली 700 एकड़ वाली जमीन के कागजात, अजय मेरा फ्रेंड है, जो दामाद जी के नाम कर दिए। अजय मेरा फ्रेंड है। ये अपने शुगर मिल के कागजात। बाबूजी कहने पर मैं वापस जाना चाहता हूँ बाबूजी, ऑफिस में बहुत सारा काम बाकी है मेरा। कैसे जा सकते हो दामाद जी, आज तो तुम्हारी सुहागरात है। एक मिनट बाबूजी, अब बोलिए बाबूजी। ये सब क्या है बेटे, दामाद जी जाने की बात कर रहे हैं, आज तो इनकी सुहागरात है, ये कैसे जा सकते हैं? बेटा तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। करेक्ट है बाबूजी, आपने सही कहा, ये कहेंगे तो रुक जाऊंगा। क्यों रे, इसके ये लुक का मतलब है कि इसने कहा ठीक है, मेरा फ्रेंड है ना इसलिए मैं जानता हूँ, हम रुक जाएंगे बाबूजी। अरे इधर, सुहागरात बिगाड़ने का प्लान बनाया है क्या? नहीं यार। नहीं बनाया? मैंने कहा था ना कोई प्लान बनाओ। छी यार, जब से शादी हुई है गीता मेरी हो जाए ऐसा लगता था, तेरे साथ धोखा ना कर दो इसे डरता था। गीता को तुझे देने का भी मन करता है, साथ साथ छीनने का भी मन करता है यार, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, टोटल कंफ्यूजन हो गया। इधर अरे इधर आना, ले पी ले। अगर तू मेरी पोजीशन पे होता तो तू तू क्या करता? हाँ गीता को सैक्रिफाइस करता। तो कर देना यार। सॉरी यार, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ। छी यार, कदा कदा कदा। नहीं यार, हमारी फ्रेंडशिप बहुत महान है, इसलिए मैं ही सैक्रिफाइस करता हूँ। ए हमारी फ्रेंडशिप के बारे में बताना, याद दिलाना, मुझे याद दिलाना। मतलब कैसे? हाँ, जैसे बचपन से तूने मेरे लिए क्या क्या किया वो बताना। बोलना बोलना बोलना। बचपन में मैं पेंसिल लिया, उसके बदले मैंने तुझे पेन दिया था ना यार। बचपन की बातें बोलूं कह रहा हूं, तो इतनी छोटी छोटी बातें क्यों कर रहा है? और कुछ बता। स्टेशन में आकर जमानत दी थी ना। दरअसल मैं पुलिस स्टेशन गया तो भी तेरे लिए ना। वो नहीं यार, कुछ और बात बताना मुझे। मेरी कंपनी में जॉब भी तो दिया था। वो कंपनी भी तो मेरी वजह से मिली ना। कुछ और बता यार, जल्दी बताना यार, कुछ और बताना यार, कुछ और बताना यार।
यानी कि अब तक तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है? इसका मतलब मुझे भी तेरे लिए कुछ नहीं करना चाहिए? इसका मतलब गीता को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए? गीता को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए मुझे? गीता का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए? बाबूजी! सी रस भरी मैं लाई जवानी तेरे लिए, बहकी बहकी महकी महकी रात की रानी तेरे लिए, पीछे भवरों की टोली चली, कहते हैं सारे मुझे मन चली बालमा। अच्छा ऐसा क्या? नैना गुलाब किसी से जो लड़े, मेरा नशा होले होले चढ़े, यूपी और बिहार घूमी, महाराष्ट्र में तो झूमी, दिल्ली राजस्थान ढोली, एमपी गुजरात बोली, आके यहाँ मनवा डोल गया। अच्छा तो यहाँ आके मनवा डोल गया? सारे मजनू सारे आशिक सारे दिल बर दमदार है, एक अनार हूँ मैं तो लेकिन सारे मेरे बीमार हैं। अरे ओ चमिया, ये सब तो ठीक है लेकिन उसका कोनो इलाज भी है थोड़े पास? धीरे धीरे मेरे रंग में हर कोई है अब तो रंगा, इतनी सस्ती भी नहीं हूँ मेरा जलवा है महंगा, नाचूं मैं सबको नचाऊं यहाँ, पागल मैं सबको बनाऊं यहाँ, मैं चाहूं जैसे पड़ेगा सबको डोलना। अरे जिया रानी, मेरी नजरिया के खटके नए, मेरी कमरिया के झटके नए, बंगाल में भी घूमी, छत्तीसगढ़ में झूमी, आंध्रा उड़ीसा डोली, झारखंड भी में बोली, आके यहाँ मनवा डोल गया। अच्छा रानी फिर क्या हुआ? गोरा गोरा चमके मेरा सोने चांदी जैसा बदन, मैं जगा दूं मैं लगा दूं सबके तन में अपनी अगन, शहर में गोरी लैला बदनाम है, दर्द में तो बाम है ये, प्यास में छलता जाम है, पहली नजर दिल के हो जाए पार, कचरा की आंखों से करती हुआ ऐसा क्या? की डली हूँ मैं मिट्टी बड़ी, अनमोल हूँ हीरे मोती जड़ी, उत्तरांचल में घूमी, हिमाचल में भी झूमी, पंजाब में भी बोली, कन्याकुमारी बोली, आके यहाँ बनवा डोल गया। अच्छा तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ? हर गली में हर शहर में गोरी लैला बदनाम है,
शहर में गोरी लैला बदनाम है। रिंगा 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 रे। रिंगा 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 रे। अरे रुक ना यार, जो मन में आता है वो कर। मैं पागल लगता हूँ तुझे? बेवकूफ क्या मैं? मेरी बात तो सुन। अरे रुक जा, जो मन में आ जाओ कर, मुझे कुछ नहीं बोलना। बात तो सुन, अगर तू कूद गया ना तो मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। मैं बदल गया हूँ यार, तुझे तो तैरना भी नहीं आता, अगर तू गिर गया तो मर जाएगा। ए, कल सुबह ही हम लोग मुंबई चले जाएंगे। नहीं, हम लोग जाएंगे तो गीता को लेकर चला जाएगा। तो ठीक है, मैं कूदता हूं। रुक 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 ना यार। मेरे पास एक सलूशन है, हेड्स या टेल्स। ए गीता, मैं जीतूंगा तो तेरी, तू जीतेगा तो मेरी, ऐसी कंडीशन मत रख, जो जीतेगा वो उसी की होगी। हेड्स। ठीक है यार, हम लोग कल सुबह मुंबई जाएंगे, ठीक है? वो कैसे? जीता तो तू ही ना। मैं तेरी जैसा बात नहीं बदल रहा हूं। मैं जीतूंगा तो वो तेरी, और तू जीतेगा तो वो मेरी। गीता तेरी है। ए, मैंने तुझसे पूछा तो तूने मेरे लिए क्या किया है? तू मेरा फ्रेंड है रे, तुझे मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा फ्रेंड हूं, तूने मुझे ये कह दिया, इतना ही मेरे लिए काफी है। की औलाद, तेरी माशूका इस वक्त रेलवे स्टेशन पे है, जा जा उसे उठा के ला। वो लोग इस समय स्टेशन पे हैं भाई। सदा सुखी रहो, अपना ख्याल। एक मिनट, ये अपने पति को बांध दो। ये क्यों? ज्योतिष के हिसाब से तेरे पति की आयु कम है, इससे दोष चला जाएगा, बांध। एकिता, दादी ने कहा ना तो बांध दो, अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे पति नहीं हो ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। दादी जी, उसने कहा वो ट्रेन में बांध देगी, आप गलत मत समझना। हाँ, चिंता मत कर बेटा, गीता जरूर तेरे से प्यार करेगी। क्यों पता है? पत्नी को पति से प्यार हो ही जाता है, यही शादी का मतलब है। इतने दिनों से जो नहीं हुआ वो अब क्या होगा दादी माँ? पगले, प्यार पैदा होने के लिए 100 साल नहीं लगता, एक पल ही काफी है। उस पल का तुम्हें इंतजार करना होगा, बस। संभल कर जाना बेटा। ठीक है दादी माँ। दामाद जी, आपकी मछली। ओह, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना। बाय। ए गोल्डफिश, असल में तुझे तो मैं भूल ही गया था। अजय, 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 ए दत्त भैया, अजय कहाँ है? वो आएंगे दामाद जी, आप जाइए। बाबूजी, आप अपनी डायरी भूल गए। कंटिन्यू करो गीता, मैं सुन रहा हूँ, बात करो। तुम क्या पागल हो? अजय के लिए मुझसे ज्यादा दुख हो रहा है तुझे? हाँ, तू एक लवर है, जानती वो मेरा क्या है? मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। हे, अगर तुझे इतना दुख है ना, वो मेरा भी फ्रेंड है, मुझे भी दुख हो रहा है। उसका दोस्त साथ में नहीं आया है। दूसरा पुल पहुंचते ही तू चेन खींच लेना।
ठीक है भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अजय के साथ वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मार डालेंगे उसे, मार डालेंगे उसे। अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना, उसे मार डालूंगा मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरे घर मेरी बहू आ जाएगी। ए ठीक से दबाना। ए कौन आया देख? अरे कौन आया है? वो टोपी वाला हरा माली। सब की सब, अगर मैं खुद चलकर तुम्हारे घर पे आया तो कुछ तो बात होगी ना। अरे अरे, फिर से मार खा रहे हो तुम लोग। ए क्या बात है बोल। मैंने कहा था ना कि आज मेरी बहू घर आ जाए। ए करण सिंह, तू जो राज सिंह की बेटी चाहिए ना, तो ये ले, मुझे नहीं चाहिए, तेरे पास ही रख। बाबूजी ने अजय को किडनैप किया है, अगर बाबूजी अजय को छोड़ेंगे तो ही तू इसे छोड़ना, तब तक अपने पास रख। ए रुक रुक रुक, ये अजय क्या है, ये छोड़ना क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अजय कौन है तू नहीं जानता? गीता का लवर है वो। गीता का लवर क्या? पहले वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद वो गीता का लवर है। बाबूजी ने अजय को किडनैप कर लिया है, अगर वो अजय को छोड़ेंगे तभी तू इसे छोड़ना, वो नहीं छोड़ेंगे तू भी मत छोड़ना, तब तक तू इसे अपने पास ही रखना, ठीक है? उसका दामाद हमसे मिल गया। मेरे मन में एक डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? क्या है? एक बात बताओ, तुम खुद ही गीता को अपने पास रखकर उसके बाप को डरा सकते हो ना? ओह अच्छा, मुझे लगा कुछ और डाउट है। वो क्या है ना, गीता मेरी जान है, मैं गीता को कुछ नहीं करूंगा ये बाबूजी जानते हैं, लेकिन गीता तेरे पास रहेगी ना, तू डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा, ये सोचकर बाबूजी डर जाएंगे। रुक रुक रुक, तुम्हें भी एक डाउट है बोला, वो क्या है? अब देख गीता तेरे पास है ना, तो तू कुछ भी कर सकता है ना, तू अपने बेटे की शादी उसके साथ कर सकता है ना। सही है ना? कर सकता हूँ ना। नहीं कर सकता ना? क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए तेरा बेटा तेरे पास होना चाहिए ना। वो तो है ना। नहीं है ना, वो मेरे पास है ना। तुम्हारा अगर गीता तेरे पास सेफ रहेगी तो तेरा बेटा मेरे पास सेफ रहेगा, समझा? सच्चा मालिक, हमारे आदमियों को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गया है, गाजीपुर। गाजीपुर? सुभाष बेटा, सुभाष बेटा। अब सुन, अपना बेटा चाहिए तो कल गांव के उस पर आ जाना, बाबूजी को फोन करना, अजय को लाने के लिए कहना, फिर मुझे फोन करना, मैं तेरे बेटे को लेके आऊंगा। दोनों फोन मुझे ही करना है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, कल सुबह बाबूजी वहां नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैं उनका चेहरा नहीं देख सकता हूँ। क्या रे, ऐसे क्या देख रही हो? तू नहीं चाहिए मुझे, वो रहेगा तो ही तू मुझे चाहिए, वरना मुझे नहीं चाहिए तू। और हाँ, तेरे पिताजी बहुत डेंजरस आदमी है, इज्जत के लिए वो जान भी ले लेते हैं, अगर मेरे फ्रेंड अजय को कुछ हुआ ना तो तेरा बेटा मर जाएगा। अपने दोस्त के लिए अपनी बीवी को दांव पर लगा दिया, इसका कैरेक्टर मुझे पसंद आया। बीवी को इतना खतरे में डाल सकता है तो मेरे बेटे को कितना खतरा होगा। सॉरी सुभाष, ये सब मैं अपने फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, तू पर्सनल मत लेना, ओके? अच्छा सुभाष, तू पीता तो होगा ना? लव में फेल हो गया, अब तो जरूर पिएगा। वैसे भी तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है ना, तू इतनी दुश्मनी के बावजूद भी तुम्हें गीता से प्यार कैसे हो गया यार? कहाँ गया? अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? मेरी जान चाहिए, ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, गीता का प्यार ना मिलने पर मेरी भी जान जा रही थी। अरे बाप रे, लगता तो अपने टाइप का ही है। बस बस, हम दोनों के दोनों ही गीता के लवर्स हैं। गीता के एक लवर को दूसरे लवर को माना जायज है क्या? गीता का लवर बोला तो तूने मुझे छोड़ दिया ना, तू वाकई गीता का लवर है। रो क्यों रहा है? पिताजी ने पागलपन कहा, सबने कहा ये पागलपन, लेकिन सिर्फ तुमने मुझे गीता का लवर कहा। फिर से एक बार कहो। क्या लवर है यार तू भी? मैं अपनी लव स्टोरी सुनाऊं? गीता और तेरी लव स्टोरी? हाँ सुना सुना। तब मैं सिर्फ 19 साल का था। क्या तू गीता को तब से जानता है? 10 years back? अरे बाप रे, तू तो बहुत सीनियर है यार। मतलब तू बड़ा भाई और मैं छोटा भाई? नहीं छोटे, तू बड़ा भाई मैं छोटा। नहीं नहीं, तू बड़ा नहीं मैं छोटा। नहीं नहीं नहीं, तुझे अपनी गीता की कसम, हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे, हम लव करेंगे, ऐसा लव करेंगे कि जरूरत पड़ने पर गीता का सैक्रिफाइस भी कर देंगे। सैक्रिफाइस का मतलब? सैक्रिफाइस का मतलब ये त्याग, समझा? गीता हैप्पी रहेगी। हैप्पी का मतलब? हैप्पी का मतलब जानता हूँ,
हैप्पी बर्थडे वाला हैप्पी ना। अरे वारे, तेरे पास कितनी अकल है। इसलिए हम दोनों गीता को अजय को दे देते हैं। अजय कौन है? अजय कौन है? अजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा सुन, वो लव तेरे लव से भी ग्रेट है। अरे ग्रेट लव मतलब तेरे लव से ग्रेट नहीं रे। अरे गीता को उसने पटा लिया ना, इसलिए उसका लव ग्रेट है। उसने गीता को पटा लिया? उसने मुझे भी पटा लिया, तो गीता क्या चीज है? इधर वो ग्रेट क्यों है पता है? गीता को पटाने के लिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का इस्तेमाल किया, इसलिए वो ग्रेट है। चीटिंग तो नहीं? चीटिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं है बेचारा, उसने जैसे लव किया वो मेरी ही लवर है ना, और गीता ने जिससे लव किया वो मेरा ही फ्रेंड है ना, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ही सबको परेशान कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो सब लोग खुश रहते ना। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बड़े भैया, गीता में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? उसकी आंखें पसंद है छोटे। सच में? सेम टेस्ट, मुझे भी गीता की आंखें पसंद है। यस, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पीछे 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 पीछे। अरे बड़े भैया क्या कर रहे हो? अरे क्या करके, अरे क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए क्या बड़े भैया? अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, तुम खुद अपना सर क्यों फोड़ रहे हो? ये बिल्डअप है छोटे, तूने मुझे मारा है, पिताजी को मालूम होना चाहिए ना। हाँ, तुम तो मुझसे भी बढ़कर निकले यार। अरे क्या हो बड़े भैया, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? छोटे छुरा तो है ना? ओह शिट, नहीं है बड़े भैया, भूल गया। यही तो। अरे रखना रखना, कोई बात नहीं। मेरा बेटा, ए करण सिंह, ये रहा तेरा बेटा, मेरे दोस्त को छोड़ने के लिए बोल दे, नहीं तो अभी की अभी से मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरे खानदान में पैदा हुआ पहला ओरिजिनल लवर है वो। प्लीज प्लीज प्लीज, तेरे फ्रेंड को मैं छुड़वा दूंगा। ए लड़की कहाँ है? ए चल इधर आ तू। ए करण सिंह, छोटी मालकिन को छोड़ दे तभी से छोड़ेंगे। ए पहले उसको छोड़, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। छोड़ दे। ए कुत्ते की तरह क्या भौंक रहा है, क्या मैं तो मुकाबला कर। बड़े भैया उधर देखो, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड अजय है। कितना बकवास मत कर, मर जाए तो टक्कर। वो तू, उसकी शक्ल ठीक नहीं है, उसने गीता को पटा लिया है, अब तो मुझे गीता के प्यार पर शक हो रहा है। छोटू वो मुझे पता नहीं है, उसके लिए मैं गीता को नहीं छोड़ूंगा। हाँ बड़े भैया, अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे बोलोगे ना तो मैं चुरा नहीं रखूंगा। छोटू तू मेरा फ्रेंड, वो तेरा फ्रेंड, तो वो मेरा भी फ्रेंड है। तुझे हाथ देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अपनी बकवास बंद कर, वरना वैसे करूंगा। बड़े भैया मैंने जैसे कहा वैसे करो। छोटे ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मारूंगा। अरे जैसे मैंने कहा वैसे करो। मेरा मन नहीं मान रहा छोटे। अरे भैया जैसे मैंने कहा है वैसा करो, तुम्हें गीता की कसम है। छोटे आखिर मेरा बेटा है। चतक भैया बांध बच के जा रहा है। पिताजी मैं उसे बाहर करा गया। चल रहे पिताजी जाओ। इसको पकड़, इसको पकड़, लड़की को संभाल कर, लड़की को संभाल कर। चलो बैठो, चलो
tears keep falling on my head. And just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. हे मैं गाड़ी में रख जल्दी छोटे ओके गाड़ी में बैठ मैं संभाल लूंगा आप संभाल लोगे ना जा तू छोटे अपनी गीता का ख्याल रखना बड़े भैया छोटे बैठ जाओ निकलो 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 जाने दो पिताजी। हे, अरे, ये सब क्या हो रहा है? Sacrifice। यानी? त्याग। त्याग? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। मालिक, फोन लग गया मालिक। देखो दामाद जी, जिसे तुम यहाँ से ले गए वो ना सिर्फ हमारी बेटी है, वो हमारी इज्जत है। हमारी असलियत से तुम वाकिफ नहीं हो। बड़े यकीन से हमने उसका हाथ तुम्हें सौंपा था। अगर कुछ गलत काम किया तो जिन हाथों से कन्यादान किया था उन्हीं से तुम्हारा सर भी काट दूंगा। चूली का फोन था। हाय, पासपोर्ट्स टिकट्स इसमें है। कल शाम 7:30 की फ्लाइट है। ओके, केयरफुल। परफेक्ट, थैंक्स। हाय हाय। ये लो तुम लोगों के पासपोर्ट्स और टिकट्स। तुम्हें अमेरिका जाने में एक और दिन बाकी है, इसलिए 24 घंटे तुम्हें यही रहना होगा। ये सेफ जगह है, ओके ना? लेकिन एक कंडीशन है। अगले 24 घंटे तक तुम दोनों मुझसे फ्रेंडली रहोगे। और नहीं तो क्या? जब से लफड़ा हुआ है ना तू मुझसे ठीक से बात करता, ना ये मुझसे ठीक से बात करती है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से मैं ये भी जानता हूं अमेरिका जाने के बाद तुम लोग जिंदगी में कभी मुझसे नहीं मिलोगे। तू तो मुझे भूल भी जाएगा। कम से कम ये 24 घंटे तो मुझे दे दो। थोड़ी देर के लिए ही सारे लफड़े भूल कर फ्रेंडली रहो ना यार, प्लीज। ए, क्या हुआ रे? नहीं रहेगा ना तो फिर ना मैं बाबूजी को फोन करके सब कुछ बोल दूंगा। बोल दो, बोल दो। देख लो, मैं सचमुच बाबूजी को फोन कर दूंगा। नंबर वो नहीं है। बात करो। सुन रही हो? फोन रिंग हो रहा है। सच बोल रहा हूँ, मैं बोल दूंगा। हाँ ए सुन ले, हाँ फोन रिंग हो रहा है, मैं बोल दूंगा। क्या तुम बोल नहीं पा रहे हो? हेलो पिताजी। क्या तू पागल है क्या? अरे यार ये लड़की सारा प्लान चौपट कर रही है। अगर बाबूजी को पता चल गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पता तुझे? इस लड़की के साथ तू अमेरिका में कैसे रहेगा यार? फ्रेंड्स,
समा, ये दोस्ती का कारवां ले जाए हम तीनों को जाने कहां। जब साथ होंगे हम यहाँ बन जाए हम पल में धुआं, एक पल में बदल जाए अपना जहां। हर बूंद बरसे प्यार की, मांगे खुशियां यार की, बातें क्यों संसार की, बोल जमी आसमां। ये पल ये प्यारा समा, ये दोस्ती का कारवां ले जाए हम तीनों को जाने कहां। जब साथ होंगे हम यहां बन जाए हम पल में धुआं, एक पल में बदल जाए अपना जहां। जान दे जाए कोई जान ले जाए, कैसी ये यारी है समझ में नहीं ये आए। कोई प्यार पाता है कोई प्यार खोता है, कोई तो हंसता है और कोई रोता है, ना प्यार पे है कोई जोर, ना दिल करे कभी शोर, चाह वो न मिला क्यों कोई शिकवा गिला। ये पल ये प्यारा समा, ये दोस्ती का कारवां ले जाए हम तीनों को जाने कहां। जब साथ होंगे हम यहां बन जाए हम पल में धुआं, एक पल में बदल जाए अपना जहां। रुको 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 रुको, ये कौन है पता है? मेरे पति, और तुम कुछ करोगे तो तुम्हें जान से मार देगा। रुक रुक, ए गीता रुक। ए, तुम दोनों के अमेरिका जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी मेरी आंखों के सामने हो। मुझसे और कुछ मत पूछो, तुम दोनों मिलकर रह रहे हो ये एहसास मुझे चाहिए। प्लीज यार, ना मत कहना। ठीक है, तुझे जो अच्छा लगता है वही करेंगे। थैंक्स यार। तू कल सुबह 9 बजे मंदिर में, मैं शादी का इंतजाम करता हूँ। ओके ना, प्लीज यार आना। हाँ, इस पर भरोसा करती हो? 9 बजे मंदिर में बुलाया है, कहता है हमारी शादी देखना चाहता है, फिर से कोई ड्रामा करेगा? मुझे इस पर भरोसा नहीं, इसलिए प्लान बदल दिया। हम यूएसए नहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो भी कल शाम को नहीं, सुबह ही। ये क्या अजय, अपने फ्रेंड को इस तरह धोखा देना सही होगा? देखो, वो मेरा फ्रेंड कभी था ही नहीं। अब तक मैं उसे प्यार से इसलिए पेश आ रहा था ताकि वो अपने जाने तक हमारा कोई नुकसान ना करे, दैट्स ऑल। एक बार ऑस्ट्रेलिया जाने तो उसको देखता हूँ। ये पल ये प्यारा समा, ये दोस्ती का कारवां ले जाए हम तीनों को जाने कहां। जब साथ होंगे हम यहां बन जाए हम पल में धुआं, एक पल में बदल जाए अपना जहां। हर बूंद बरसे प्यार की, मांगे खुशियां यार की, बातें क्यों संसार की, बोल जमी आसमां। ये पल ये प्यारा समा, गीता के मुझसे एक बार प्यार से आर्या बुलवाना। ले जाए हम तीनों को जाने कहां। गीता, जब साथ होंगे हम यहां, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बताया था ना सुबह होते ही निकलना है, सुबह पैकिंग वैकिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, चुपचाप जाना होगा। उसे भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, सो जाओ। अब
अलार्म मत लगाना क्योंकि आवाज सुन के वो जाग जाएगा। मैं खुद ही आकर तुम्हें उठा दूंगा। ओके, गुड नाइट। अजय, आर्या को ये बात बताना फर्ज बनता है ना? कोई जरूरत नहीं। मेरे बिना अजय सिगरेट कैसे जलाएगा? मैं आधा पीऊंगा उसके बाद ही वो पिएगा ना। ऑस्ट्रेलिया जाकर उसे सिगरेट जलाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तुम जानते हो? जानता हूँ। मेरे बिना तुम दोनों सांस भी नहीं ले सकते। और तुम दोनों सही हो। किसी को भी ऐसा दुख सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन मुझे एक ही बार में दो दुख है। तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो और वो भी जा रहा है। ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से तुम्हें रोकने के लिए कहीं मैं बाबूजी को फोन ना कर दूं। अब मेरी वजह से तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए। अरे क्या है वो? घबराओ मत, नींद की गोलियां। कल सुबह जब तुम दोनों मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं ये सब देख नहीं पाऊंगा, इसलिए ले ली। ओके, ये गिफ्ट अजय को दे देना। ए, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया इसलिए। तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वही मेरा गिफ्ट है, क्योंकि मुझे तुम्हें मंगलसूत्र पहनाते हुए उस गधे अजय ने नहीं देखा, इसलिए मंगलसूत्र दे रहा हूं। तुमने ये मंगलसूत्र कबूल किया अजय की तरफ से ही ना, इसलिए हमारी शादी ना के बराबर है। हमारे जाने के बाद तुम क्या करोगे? मैं करूंगा क्या? तुमने कभी मुझे लवर नहीं समझा, अजय ने कभी मुझे फ्रेंड नहीं समझा, लेकिन मुझे देखते ही दामाद समझ वाले बाबूजी, उनके साथ मैंने धोखा किया है। जाकर उनके कदमों में गिर जाऊंगा, फिर जो करना है वो करें। ओफो, मेरे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। मारने दो, वो अगर अपने गुस्से में जान ले सकते हैं तो मैं अपने प्यार में जान दे सकता हूं। अब तुम जाओ, टाइम हो रहा है। बाय, हैव अ नाइस लाइफ। आर्या, प्यार से बुलाया ना? नहीं, पर तुम्हारे बुलाने का मन किया इतना ही काफी है। गुड बाय। गीता, तुमसे एक बात पूछूं, तुम सचमुच मेरे साथ फ्रेंडली हो या अजय की तरह ही नाटक कर रही हो? मैं तुमसे एक बात पूछूं, अजय से इतना प्यार करने के बावजूद वो एक्सीडेंट कैसे किया? ये क्या है? आर्या ने दिया है। आर्या ने दिया? मतलब वो जानता है कि हम जा रहे हैं? जानता है। ओह शिट, हो गई छुट्टी। उसने डेफिनेटली तुम्हारे पिताजी को फोन करके बताया होगा। चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ सेफ नहीं है। नहीं, वो नहीं बताएगा। ए, कैसे नहीं बताएगा? इससे पहले भी एक बार बताया था, भूल गई? उसके बताने की वजह से हम लोग अभी तक यहाँ आए। चलो। मैं जानती हूँ वो नहीं बताएगा। उसके बारे में तुम जानती हो या मैं जानता हूँ? मैं बचपन से उसे देखता आ रहा हूँ। देखा होगा पर कभी समझा नहीं। तुम उसकी जान हो और मैं भी, हम दोनों के बीच वो पिस रहा है। उसकी बात बाद में करेंगे।
देखो सब आ गए। तुमने कहा था कि वो नहीं बताएगा, अब देखा उसने बताया है। चलो। उसने नहीं बताया। अगर उसने नहीं बताया तो तुम्हारे बाप को कैसे पता चला? उन्हें मैंने बताया। हाँ, मैंने ही फोन करके उन्हें बुलाया। हम इस वक्त चले गए तो हम तो खुश रहेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी आर्या को मार डालेंगे। हमारे प्यार के लिए आर्या क्यों बलि चढ़े? ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ए, पहले आओ तो सही। ए, तुम पागल हो गई हो क्या? बुला रहा हूँ फिर भी नहीं आ रही हो। मुझे मार डालेंगे वो लोग। चलो तुम, चलो। मारने दो। अगर वो गुस्से में मेरी जान ले सकते हैं तो मैं प्यार में अपनी जान दे सकती हूँ। तुम दे सकते हो? ए, पहले जिनी की राह देखो। चलो। पिताजी प्लीज अजय को कुछ मत कीजिए। दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि अजय को पिताजी 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 नहीं नहीं पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज छोड़ दीजिए उसे। मैं इसलिए नहीं बुलाया था। प्लीज। सॉरी बाबूजी, अजय बहुत अच्छा लड़का है बाबूजी, लेकिन उसे बात करना नहीं आता। अजय पिताजी मेरी बात तो सुनिए। तो जैसी पापी बेटी को जन्म देने से बेहतर होता। बाबूजी गीता मेरी पत्नी है, उसे मारने का हक आपको नहीं है। इसमें गीता की क्या गलती है? सारी गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे सारी गलती तो तुझसे ही हुई है। भरोसे के साथ अपनी बेटी का हाथ तुझे दिया, वही कितना बड़ा विश्वासघात किया है तूने। रुक जाइए साहब, ये हमारे घर के दामाद है साहब। रुक जाइए साहब, मत मारिए इसे। भैया आप पीछे हट जाओ। मारो बाबूजी, मुझे मार दो आप, मुझे जान से मार दो, तभी की तो राजा खुशी से रह पाएंगे। मुझे मार दो बाबूजी। पिताजी आप समझेंगे ये सोचकर मैंने आपको यहाँ बात करने के लिए बुलाया, इन दोनों को मारने के लिए नहीं। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, और अगर किया तो ये क्या है छोटी मालकिन? देखा कैसा खून बह रहा है? आप पर कोई आंच ना, इसीलिए तो शादी के दिन कुत्ते का जूठन तक खाया पड़ा साहब ने। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब इसका एक ही रास्ता है। रतन भैया इधर देखो, अगर आज को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी छोटी मालकिन भी नहीं बचेगी। नहीं दामाद जी, छोटी मालकिन का घर बसता है तो इसे मरना ही पड़ेगा। बाबूजी आप रतन भैया को रोको, अगर अजी को कुछ हुआ ना तो गीता का गला काट कर उसे मार दूंगा। मार दे, मार मार। बाबूजी तू उसे नहीं मार सकता है, क्योंकि वो तेरे लिए जान से भी बढ़कर है। बाबूजी गीता मेरी जान है, मैं गीता को नहीं मार सकता, लेकिन मैं खुद को मार सकता। बाबूजी मैं खुद को मार लूंगा। बाबूजी अरे रुक जा, रुक जा, छोड़ दे उसे। नहीं साहब, वो सच में मर जाएगा, पागल है वो। किसी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसे सब चाहिए, सबके खुशी चाहिए। ए, छोड़ दे उसे। यार यार वैसे ही रहना, चक्कू मत उठाना, हम चले जाएंगे। हमारे जाने के बाद ये चक्कू उठाना। चलो गीता हम चलते हैं, चलो। हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया, ये लपड़ा हमारा नहीं है, वो आर्या देख लेगा। चलो जल्दी चलो, आओ आओ ना आओ। छी क्या सोच रही हो? अरे आओ ना जल्दी चलो। उसे देखा? देखा उसे? तेरा दोस्त है, इसके लिए तू अपनी जान कुर्बान कर रहा था। इसके लिए? इसके लिए? जाने दो ना बाबूजी, गीता अजय को पसंद करती है, गीता को अजय को सौंप देते हैं प्लीज बाबूजी। ये सही आदमी नहीं है,
शादी रोकने के लिए खुद ना आकर तुझे भेजा था ना, तब वो सही नहीं था। तुम्हारी जान मुसीबत में डालकर ये भागने की कोशिश कर रहा है, ये सही नहीं है, ये कभी भी सही नहीं है। ए, क्या सही नहीं है? ये खुद मान गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओ, इसकी शादी हो गई इसलिए? गले में धागा पहनाने से शादी हो जाती है क्या? इसे तोड़कर मैं इसे शादी करता हूँ। इस सारी प्रॉब्लम की जड़ तो धागा है ना, इसे निकाल के इसके मुंह पे फेंक देगी ना। जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। पहली बार मैंने गीता की आंखों में प्यार देखा। आर्या के लिए किस कदर वो तड़प रही थी। इतने दिन मेरे साथ रही लेकिन मैंने वो प्यार नहीं देखा। किसी ने सही कहा है, प्यार जगने के लिए एक युग की जरूरत नहीं है, एक लम्हा काफी है। आर्या का रिलेटिव कौन है? मैं हूँ। आपको यहाँ पर साइन करना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं गए? कैसे जाएंगे? नहीं गए, गीता कहीं नहीं जाएगी, सब कुछ खत्म। तेरे लिए बाहर बैठकर रो रही है, देखो जाके। अब क्या करने वाला है तू? अब करना क्या है, सैक्रिफाइस ही करना होगा। अभी हार नहीं मानोगे तो बेवकूफ बन जाऊंगा। इस बार तेरा ससुर भी नहीं छोड़ेगा, काट डालेगा मुझे। ये बात नहीं है। अरे तू समझ नहीं रहा यार, गीता बदल चुकी है, बदल चुकी है। तूने सिर्फ गीता को ही नहीं, मुझे भी बदल दिया है। मैं जानता था कि तू मुझे चाहता है, लेकिन मेरे लिए जान देगा ये नहीं जानता था। मर जाएगा तू मेरे लिए? पहली बार मुझे दोस्ती का एहसास हुआ। फ्रेंड्स, लेकिन मैं जानता हूँ यार, अपनी फ्रेंडशिप से ज़्यादा मेरा प्यार कीमती नहीं है, क्योंकि तुझ पर जो गुस्सा था उस वजह से गीता मुझसे प्यार कर रही थी। अब तुझ पर जो गुस्सा था वो चला गया है, और मुझ पर जो प्यार था वो भी। अब गीता तेरी है, लेकिन वो कबूल नहीं करेगी। अगर कबूल करवाना है तो उसे मुझ पर गुस्सा आना चाहिए, इसलिए मैं उसे सच बोलने वाला हूँ। कौन सा सच? अरे वही यार,
जो एक्सीडेंट हुआ था वो तूने नहीं मैंने करवाया था, ये उसे बता दूंगा। नहीं यार, तूने प्रॉमिस किया है नहीं बताने का। तो फिर अब मैं क्या करूं? मैं जो बोल रहा हूं वो डायरी में लिख। अजय को सॉरी बोलना है। अरे अजय को सॉरी? मुझे? मुझे क्यों? अरिया, हे अरिया, क्या हुआ अरिया? हे, ये ऑन कर रहा है क्या? ये स्विच क्या? ये स्विच ऑफ करो क्या? ओह शिट, डॉक्टर, Where is put the machine up? Put it down. Quick. Okay, sir. Make it fast. Get 25 liters. 200 joule. Okay, sir. 300. Okay, sir. Good. Put oxygen mask. ये बटन किसने ऑफ किया? वो क्या है कि क्यों इसे मारना चाहते थे?